ये महोत्सव है नाटकों का। देश और विदेशों से आने वाले नाटकों का लगातार मंचन हो रहा है। कुल मिलाकर 96 नाटक किए जा रहे हैं। भारत के 5 राज्यों में नाटकों का लगातार मंचन हो रहा है, डिब्रूगढ़, राजकोट, मैसूर, बनारस, रांची। दोस्तों, पिछले दिन जो हम नाटक देखते हैं, अगले दिन उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो आज सबसे पहले मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूँगी हमारे प्रभावी निर्देशक राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के श्री सुरेश शर्मा जी को कि वो मंच पे आए और अपना स्थान ग्रहण करें। सुरेश शर्मा ने 1985 में अभिनय में विशेषज्ञता के साथ राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से स्नातकोत्तर डिप्लोमा पूर्ण किया है। 1987-88 में उन्होंने हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला में एकमात्र गैर सरकारी रंग मंडल की स्थापना की। 1996 से 1998 तक उन्होंने श्रीराम प्रदर्शनकारी कला केंद्र दिल्ली के कलात्मक निदेशक के रूप में कार्य किया। 1998 में उन्होंने मंडी हिमाचल प्रदेश में पहली गैर सरकारी पूर्णतः आवासीय रंग अकादमी की स्थापना की। सुरेश शर्मा जी को साहित्य कला परिषद द्वारा सम्मानित किया गया। संगीत नाटक अकादमी ने युवा निर्देशक योजना के अंतर्गत उन्हें उनके द्वारा लिखित और निर्देशित नाटक मोहना को पुरस्कृत किया। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं जो कल हमने नाटक देखा था द ओपन कपल, उनके निर्देशिका को मैं मंच पर बुलाना चाहूँगी। शायद वो लोग अभी पहुँचे नहीं हैं, तो जैसे वो पहुँचेंगे हम उनका स्वागत करेंगे। हमारा तीसरा नाटक पगला घोड़ा के जो निर्देशक है विपिन कुमार जी, वो भी शायद अभी नहीं पहुंचे हैं, तो जैसे ओके प्लीज ओके ठीक है ओके थैंक यू गार्गी, प्लीज कम ऑन स्टेज एंड जॉइन अस। कल हमने शाम को मुक्त आकाश के नीचे एक छाव सराय केला एमएमयू भंज का एक बहुत खूबसूरत प्रस्तुति देखी, तो मैं उनके निर्देशक श्री आचार्य स्वप्न कुमार आचार्य जी को मंच पे बुलाना चाहूँगी। साथ में सर आपको भी मैं शशिधर आचार्य जी को बुलाना चाहूँगी मंच पे कि वो आए और अपना स्थान ग्रहण करें। कल हमने नाटक देखा बख्शी जगबंधु, नाटककार मनोरंजन दास और निर्देशक देवव्रत पटनायक जी को मैं मंच पर बुलाना चाहूँगी कि वो मंच पर आएं और अपना स्थान ग्रहण करें। दोस्तों, हर साल पत्रकारिता जगत से हमारे साथ दो क्रिटिक्स जो मीट द डायरेक्टर प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं, तो आज मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूँगी प्रोफेसर मनोहर खुशलानी जी को कि वो मंच पर आएँ और अपना स्थान ग्रहण करें। साथ ही मैं शिव के जी को भी मंच पर बुलाना चाहूँगी कि मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। मैं प्रोफेसर मनोहर खुशलानी सर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस चर्चा को वो अब आगे बढ़ाएं, क्योंकि उन्होंने सर का नाटक देखा है, तो शुरुआत सर से की जाए, क्योंकि स्कूल में बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, बिजी रह रहे हैं, तो अगर उनसे शुरुआत की जाए तो सबसे पहले बेहतर रहे। आई वुड लाइक टू कम ऑन स्टेज लोकेंद्र त्रिवेदी सर, प्लीज ज्वाइन अस। ओके, पहली चीज तो मैं बधाई देना चाहूँगा सुरेश शर्मा को, धन्यवाद। इतना जबरदस्त नाटक और इतना क्या कहना चाहिए कि कंटेम्प्रेरी थीम को लेकर के नाटक किया गया। हमारे पत्रकार, मैं माफ़ी चाहूँगा इस बात से कि वो थिएटर में जब कोई प्ले में म्यूजिक देखते हैं तो उसको म्यूजिकल कह देते हैं, बट दिस वॉज नॉट ए म्यूजिकल, इट वॉज एन ओपेरा।
एंड शीला भाटिया के देहांत के बाद लोग कहते हैं कि ओपेरा डायरेक्टर है ही नहीं है, हमारे बगल में मौजूद है. इट वॉज इन द ह्यूज स्टाइल ऑफ ओपेरा, जिस तरह का म्यूजिक आई थिंक द डायरेक्टर ऑफ दी ओपन कपल की निर्देशिका श्री सारा जाकिर से मैं निवेदन करती हूँ कि वो मंच पे आए और अपना स्थान ग्रहण करें. एक कुर्सी तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसको कंटेम्प्रेरी थीम को लेकर के किया गया और एक बहुत फेमस हॉलीवुड की फिल्म है फिडलर ऑन द रूफ, जिसका जो राइटर है स्टाइन, उसको अडेप्ट बहुत ब्यूटीफुली किया गया. बिकॉज फिडलर ऑन द रूफ में भी उसमें जो जो लीड कैरेक्टर है वो एक मिल्कमैन है और उसकी बेटी का जो तरह का रिलेशनशिप बनता है एक टेलर के साथ बनता है, उसमें भी वो टेलर है. फ़र्क इतना था कि उस फिल्म में और उस प्ले में एज अ प्ले ऑल्सो उसको अडॉप्ट किया गया था, तो उस प्ले में इशू लेके किया गया था कि जूस की एक विलेज है जहाँ पे दिस पुअर फादर ऑफ फाइव डॉटर्स, ही वॉज लिविंग देयर विथ हिज डॉटर्स एंड ग्रेजुअली ईच वन ऑफ देम फाउंड देयर ओन मेट एंड अल्टीमेटली वन द लास्ट डॉटर चोज टू have a relationship with a Christian. तो वहाँ इंटर रिलीजियस इशू बन गया था, उसी को इतना ब्यूटिफुली अडॉप्ट किया गया. हमें लग रहा था कि कश्मीर की वादी के बारे में है और कश्मीर में जो सबसे बड़े ज्वलंत इशूज़ हैं जिसके बारे में हिंदुस्तान में रहकर भी कई बार हम उसका इम्पोर्टेंस नहीं समझते हैं कि अपने ही देश पे लोग बैठे हैं, उनको विस्थापित किया गया और किस तरह का रिश्ता है उनका अपने देश के साथ, किस तरह की उस जिस जहाँ पे आप पैदा हुए हो, जहाँ पे आपके परदादे पैदा हुए हैं, जहाँ पे आपके दादे परदादे के परदादे पैदा हुए हैं, वहाँ से आपको बोला जा रहा है कि आप यहाँ से चले जाओ अचानक, और किस तरह से वो परिस्थिति बनती है, किस तरह की ह्यूमन रिलेशनशिप डेवलप होती है. और सुरेश शर्मा तो बहुत ही मंझे हुए एक्टर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, यू नो, एंड यू नो अपना स्कूल भी चलाते हैं, यहाँ एनएसडी में तो प्रोफेसर हैं लेकिन अपना स्कूल भी चलाते हैं मंडी में थिएटर का. तो इट्स अ ऑनर फॉर एनएसडी दैट ही इज फाइनली बिकम द डायरेक्टर ऑफ दिस इंस्टीट्यूट एंड ही इज ब्रॉट अ न्यू काइंड ऑफ फ्लेवर. उसके बारे में मैं बाद में बात करूँगा, पहले मैं सुरेश जी से पूछना चाहूँगा कि आपने जब इसको कंसीव किया था एंड ऑल्सो द जिसने अडाप्ट किया है उसके भी बधाई देना चाहूँगा कि अडेप्टेशन बहुत ही बढ़िया था. तो उस टाइम पे आपको क्या क्या इश्यूज को लेकर के आपने जब उस प्ले को तैयार किया, ये थिएटर ओलंपिक्स में भी दिखाया गया था ये नाटक. एक तो सबसे पहले इस बात को मैं अलग कर देना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं नाट्य निर्देशक के तौर पे हूँ ना कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के प्रभारी निर्देशक के तौर पे. दूसरी बात, जैसा कि आपने कहा कि प्रोसेस कैसे सोचा और क्यों, ये नाटक बहुत दिनों से हॉन्ट कर रहा था. जो प्रेजेंट हमारे देश की सिचुएशन है, लेट 80s की बात करें, उन दिनों मैं कश्मीर में ही था, श्रीनगर में ही था और कश्मीर के बहुत ही अंदरूनी हिस्सों में आना जाना हुआ करता था. कश्मीर से लद्दाख तक की मैं कई बार बाई रोड आया गया हूँ. अगर कभी बाई एयर गया हूँ तो एक साइड ज़रूर मैंने सड़क की यात्रा की है, अपने उस प्रदेश को जानने समझने के लिए. बहुत अचंभित होता था, दुनिया का जो सबसे
दूसरे नंबर पे जो कोल्डेस्ट पॉइंट जिसको कहते हैं दराज, वो रास्ते में पड़ता था। तो नाइट स्टे जो होता था, अगर बाई रोड आप आ रहे हैं तो कारगिल में आपको नाइट स्टे करना होता था। और फिर फाटक सिस्टम है कि इतने बजे फाटक खुलेगा तो इधर का ट्रैफिक जाएगा, फिर इधर का फाटक बंद होगा तो उधर का ट्रैफिक आएगा। तो तीन चार बार ने रातें कारगिल में गुजारी। टैक्सी होती थी, अजीब सा लगता था कि जब हम टैक्सी लेके चलते थे, कोई झरना ऊपर से कहीं गिर रहा है और उसको बोलते थे ड्राइवर को कि कहीं पानी मिले तो रोक देना, प्यास लगी है। तो उनका कई जगह कई बार ये होता था कि साहब आप यहाँ पे पानी पियो, ये हमारे पाकिस्तान से आ रहा है, हॉन्ट करता था। हम अपने ही मुल्क में कई जगह पे ये देखते थे कि हम पराए मुल्क में हैं, जहाँ रोजी रोटी एक कश्मीरी एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे टूरिज्म को इंडस्ट्री के तौर पे देखा गया। हिंदुस्तान में अकेला एक ऐसा स्टेट है जहाँ जो टूरिज्म है वो इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है, कि पूरा कश्मीर जो टूरिस्टों के उस पर चलता रहा। बड़ी अच्छी बात है, जन्नत कहा जाता है धरती पे उसको। काफी अरसा मैं रहा हूँ वहाँ पे। जो पोस्टर होते हमारे अपने क्रिकेटर्स के, तो हमारे अपने क्रिकेटर्स के पोस्टर नहीं होते वहाँ, पाकिस्तान की टीम के क्रिकेटर के पोस्टर लगे होते हैं हर जगह। जब ये नाटक मैंने पढ़ा था, उसके बाद जब फिल्म देखी, तो मुझे ये लगा कि हम अपने मुल्क की बात, कश्मीरी पंडितों की बात इस नाटक के माध्यम से कर सकते हैं। सबसे अफसोसजनक बात यह है कि कश्मीर में ये सातवां विस्थापन था, वहाँ से पलायन जो था ये सातवां पलायन था। कबीलाओं का जब अटैक हुआ उसके बाद से, मुगलों का जब वो रहा तब, ये सातवां विस्थापन सबसे दर्दनाक रहा। क्यों? क्योंकि हमारा मुल्क आज़ाद लोकतांत्रिक सरकार है, डेमोक्रेटिक कंट्री में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, अपना अपनी फोर्स है, अपने लॉ एंड ऑर्डर्स हैं, अपनी पुलिस है और अपने लोग हैं। उनके बीच से एक खास तबके को निकाल के बाहर किया जाना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। हम पंजाब भी इसी समस्या से जूझता रहा था, लेकिन पंजाब जब इस समस्या से निकल चुका या निकाल के हम लेके आए, तो क्या कश्मीर में ऐसा क्या खास है जो हम उसको नहीं निकाल सकते? दोहरे चरित्र की बात है ये, इधर के लिए भी और उधर के लिए भी, क्योंकि कश्मीर एक बहुत ही संजीदा मुद्दा है और मुल्क में, दोनों तरफ की मुल्क में सियासतदानों के लिए सियासत करने का बहुत अच्छा और पुख्ता और मजबूत ये जरिया है अपने आवाम को इस्तेमाल करने के लिए। उधर तो हमेशा ये इस्तेमाल होता है और हमारे यहाँ भी इस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता रहा है। ये इतनी बड़ी समस्या नहीं रही कि इसको सुलझाया ना जा सका। कश्मीरी पंडितों का वहां से पलायन दुखद, हम एक आवाम के तौर पे ये बात करते हैं कि जहां पे हमारे दादा परदादा पांच छह पुश्तें रह चुकी हैं और सडनली हमसे ये कहा जाता है कि आप तीन दिन में ये खाली कर दीजिए। नंदीग्राम का सबको मालूम ही होगा कि वहाँ एक सामूहिक जो नरसंहार हुआ था, रातों रात एक साथ लगभग लगभग
अगर रिकॉर्ड की बात करें तो 36 है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा लोगों का कत्लेआम किया गया। और स्वतंत्र भारत में एक लोकतांत्रिक सरकार, उसको मूक दर्शक बधिर बनी हुई देखती और सुनती रही, इससे शर्मनाक हादसा और क्या हो सकता है। हमने पाकिस्तान अपने पंजाब को निकाला, लेकिन कश्मीर को हम पता नहीं क्यों नहीं निकाल पाए, या इसके पीछे हमारी नियत क्या है वो स्पष्ट कर पाना थोड़ा सा उससे बचना होता है, लेकिन नियत साफ पता चलती है कि हम उस समस्या का समाधान क्यों नहीं करना चाहते हैं। हम बातें, कोई भी सरकार रही हो, किसी की भी सरकार रही हो, ये ज्वलंत मुद्दा आज हिंदुस्तान में दो ही होता है, एक यूपी का है जो एक खास जगह है वहां का, और कश्मीर का। लेकिन उनके बारे में कोई सोचता कौन है गंभीरता से, जिनके पास इतने बड़े बड़े सेब के, अखरोट के, बादाम के बाग थे, जिनकी अपनी लकड़ियों की, देवदार की लकड़ियों की कोठियां हुआ करती थी, जिनकी कीमत आंकना लगभग आज की तारीख में नामुमकिन है, हर औने पौने दाम में उनको बेच के आना पड़ा, कुछ इससे उसमें आए कि हालात सुधरेंगे हम वापस जाएंगे, लेकिन वो हालात ना सुधरे ना सुधरते नजर आ रहे हैं। बहुत सारी बातें हैं जो अंदर आपको कचोटती रही। मैं जगती भी गया हूं, जगती वो जगह है जहां पे ये कश्मीरी पंडित आए, पहले टेंटों में रहते रहे, फिर उसके बाद उनके लिए सरकार ने एक कमरे के घर बनाए, और फिर कुछ लोगों को दो कमरे के घर बना के दिए। आपको शायद मालूम हो जो अमरनाथ जी की यात्रा है, वो यात्रा की जो छड़ी मुबारक है वो एक मुस्लिम लेकर के चलता है, तब अमरनाथ के पट खुलते हैं। हमारा ये सभ्यता रही है, लेकिन ये अचानक ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये चीजें कचोटती थी। जगती में जाके देखा, जिन लोग आज की तारीख में बोले दसों बीसों करोड़ के जो मालिक हुआ करते थे, आज किस हालात में रह रहे हैं, 18-18 घंटे लाइट नहीं है उस कैंप में। और जो बच्चों के एजुकेशन की हम बात करते हैं, एक परिवार को 1650 रुपए, आज की तारीख की बात कर रहा हूं, आज की तारीख 1650 रुपए प्रति व्यक्ति जो है सदस्य के तौर पे उनको दिया जाता है, और वो भी उसमें भी उन्होंने रेखाएं कर रखी हैं कि जिनके पास, जिनको दो कमरे के फ्लैट्स दिए गए हैं उनको कितना मिलेगा, और जो एक कमरे के फ्लैट्स में रह रहे हैं। आप अपना सब कुछ लुटा करके चले आए इस भरोसे कि हमें, जो भी हमारे सियासतदान हैं, कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो इधर रुक करेंगे, लेकिन रुक होता है, हम ये नहीं कहते, होता है, लेकिन कब होता है, 5वें साल में। दुखद है, हम किसी की गरीबी पे, किसी की मजबूरी पे, किसी की लाचारी पे हम अपनी रोटियां सेकते हैं। हमको अपने पर लानत भेजनी चाहिए। इतने सालों के बाद भी हम उनका कोई समाधान नहीं कर सके। जैसा कि आपने कहा कि उधर यहूदी थे तो इधर हमारे लिए कश्मीरी पंडित थे, तो यही एक बात थी कि हमेशा बात होती, कई ऑर्गेनाइजेशन इसी दिल्ली में हैं कश्मीरी पंडितों को लेकर के, कई ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन वो दिल्ली में रह करके उन कश्मीरी पंडितों की बात करते हैं जिनके पास शायद वो 2 साल या 3 साल में एक बार जाते हैं। मुझे लगा कि उनकी रंगमंच एक सशक्त माध्यम है, हम और तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उनकी बातों को, उनकी स्थितियों को आप तक की पहुंचा सकें, यही वो कारण था
जो मैंने इस नाटक का चुनाव किया और ये नाटक आप सब लोगों के सामने लेके आने की कहा जाए कि एक हिमाकत की, तो ये एक क्षण। मैं आपसे और भी कई सारे सवाल पूछूंगा क्योंकि इस नाटक में बहुत सारे पेच हैं और बहुत सारे रंग हैं। उससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मैं थिएटर के साथ फिल्म भी पढ़ाता हूँ, तो मैंने स्टूडेंट्स को इसी साल प्रोजेक्ट दिया था कि आप कश्मीरी पंडितों का इंटरव्यू लेकर के वो किस स्थिति में है उसके ऊपर एक फिल्म बनाइए। तो इस बात में इतना अचरज लगा कि ज़्यादातर कश्मीरी पंडित जो अभी कश्मीर में नहीं है, जो दिल्ली में है, वो डर रहे थे इंटरव्यू देने से कि हम देंगे तो हमारे पीछे कहीं ना कहीं से किस तरह के टेररिस्ट अटैक्स हो सकते हैं, कुछ हो सकता है। अचरज की बात है, मुझे सर दो ही पंडित मिले जो बोलने को तैयार थे, उसमें से एक आर्मी का बंदा था क्योंकि वैसे ही उसके अंदर शौर्य और बहादुरी से भरा हुआ था, तो इसलिए वो बोल पाया। तो ये इतनी दूर रहकर भी इतने आतंक में हम लोग रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद सुरेश जी ने जो फिल्म बनाई, सॉरी उसने जो नाटक तैयार किया, मैं फिल्म अगर कहता हूँ तो गलत नहीं है कि उस तरह के स्केल पे, उस तरह की फीलिंग, उस तरह के मूड उसके अंदर ओपेरा के अंदर क्रिएट किया गया। तो उसमें सबसे पहली बात तो गाने बहुत बढ़िया थे और बहुत ही दे वर फुल ऑफ एंथुजियाज्म, फुल ऑफ जॉय, फुल ऑफ हैप्पीनेस एंड देयर सो मच ह्यूमर। मेन कैरेक्टर है पृथ्वीनाथ, वो एडवर्सिटी में भी हंस रहा है। तो उसमें यानी आप ये देख लो कि इतनी बड़ी समस्या को लेकर के एक प्ले क्रिएट किया गया, लेकिन उसको डिप्रेसिंग नहीं बनाया गया, क्योंकि द स्पिरिट ऑफ कश्मीर, द हैप्पीनेस विच इज बीन देयर फ्रॉम सेंचुरीज, दैट वॉज केप्ट अलाइव इन दैट प्ले। तो उसमें पहली चीज ये कि कॉस्ट्यूम्स पे काम बहुत अच्छा किया गया, तो उसमें किसने रिसर्च किया था उसके ऊपर? देखिए वैसे कृति जी हैं, कृति वी शर्मा, जो कि हमारे इसके पहले जो मैंने काफका भी किया था उसमें भी उन्होंने ही कॉस्ट्यूम किया। हर इंसान एक अपनी टीम बनाता है, जो एक अंडरस्टैंडिंग काफ़ी बन जाती है कि बिना कहे हम बहुत कुछ समझने लग जाते हैं कि हम क्या चाहते हैं और आप क्या दे रहे हैं और क्या देना चाहिए। तो कृति वी शर्मा जी ने काफका के लिए भी काम किया था और वो काम बहुत ही रिसर्च वाला था, और तो इसीलिए मुझे लगा कि इसके लिए वो, बाकी जहाँ पे कुछ होता था कुछ तो हम लोग सामूहिक रूप से कि हमें ऐसा लग रहा है तो वो सहजता के साथ स्वीकार करती थी और फिर अल्टरनेट लेकर के आती भी थी। एक बात और कहना चाहता हूँ कि कश्मीर की तो समस्या है ही है। आज हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, पृथ्वी की 5 बेटियाँ थी। हम कहते हैं कि एक तबका होता है जो बहुत ही रूढ़िवादी होता है, अपने परंपरावादी होता है, लेकिन वो भी परिवार एक ऐसा है। और जो हम आज बात करते हैं खुलेपन की, पृथ्वी एक छोटे से गांव में रहता है लेकिन उसका खुलापन देखिए कि वो अपनी बेटियों को कितनी सहजता से स्वीकार करता है और उनको परमिशन देता है। तो वो परंपरा जो आज हम स्त्रीवादी वादिता की बात करते हैं, हम फेमिनिज्म की बात करते हैं, लेकिन पृथ्वी एक लोअर मिडिल क्लास का एक इंसान जो कि एक छोटे से कस्बे में रहता है, कितने खुले दिमाग का, कितने आज़ाद किस्म का इंसान है वो, कि स्वीकार करता है लव मैरिज को, मेरी बेटी ने जिसको चाहा है हम उसको उसके साथ उसका, तो ये उसका एक खुलापन भी है। तो यहाँ दोनों चीज, उस चीज को भी थोड़ा सा हम लेकर हाँ, के चले उसके बारे में। पृथ्वीनाथ के अंदर जो मेंटल जो टर्मोइल चल रहा था उसको एज एन जो शेक्सपियरियन टेक्निक है, एज एन असाइड एड्रेसिंग द ऑडियंस बट थिंकिंग, उसका पूरा थिंकिंग प्रोसेस दिखाया गया था नाटक में कि पहले वो उसके साथ बहुत नाराज है, जैसे बख्शी के साथ बहुत नाराज था जो एक बुचर था। बहुत ही प्रैक्टिकल है पृथ्वी, हाँ। बहुत ही प्रैक्टिकल है। तो पहले वो कहता है ये कैसे कर सकता है, ये मुझे अच्छे नहीं लगते, ये है तो
मांसाहारी आदमी है और ये गोश्त काटता है, ये करता है, जानवर काटता है, धीरे धीरे सोचता है कि इसके बारे में किसके अंदर इतनी बेटी के बारे में कि बेटी इसके साथ खुश रह सकती है। तो पूरा प्रोसेस जो इन्होंने दिखाया कि एक तो बाहर से एक बहुत तरह का वो क्या बोलना चाहिए, लॉट ऑफ ब्यूटी एंड यू नो लॉट ऑफ एनर्जी इन द प्ले, बट एट द सेम टाइम व्हाट इज द मेंटल प्रोसेस ऑफ द मेन कैरेक्टर पृथ्वीनाथ, व्हाट इज गोइंग ऑन। हर बार वो पहले करता है ना, और उसके बाद ही चेंजेस हिज माइंड एंड द होल मेंटल प्रोसेस वाज शोन बाय वेरी इंटरेस्टिंग डिवाइस, यू नो दैट ही इज थिंकिंग एंड टेकिंग ऑडियंस इनटू अकाउंट एंड ऑलमोस्ट टेकिंग देम इनटू कॉन्फिडेंस एंड देन आस्किंग देम दैट क्वेश्चन। सो दैट वाज आल्सो अनदर वेरी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ इट, दैट देयर वाज ब्रूडिंग ओवर द थॉट्स दैट वाज हैपनिंग इनसाइड द कैरेक्टर एंड देयर वाज आल्सो अ डिस्प्ले ऑफ द ब्यूटी। अच्छा, वो उस पर बख्शी पे आते हैं हम, तो बख्शी वाला सीन बहुत इंटरेस्टिंगली, उसमें हर सीन में हर मूड बिल्कुल चेंज होता है। तो उसको पहले तो उसको ये डर लग रहा था कि बख्शी जो है वो मेरी बकरी जो है उसकी नज़र मेरी बकरी पे है, बिकॉज है तो बुचर हो, तो वो कहीं मुझसे बकरी ना मांग ले। तो वो उसको कहता है कि मुझे आपकी एक वस्तु चाहिए, तो वो कहते हैं ठीक है मुझे आज तो तुम एक मांग रहे हो, लेकिन तुम उसके उसमें ह्यूमर सा कि उसके बाद तो दूसरी मांगोगे फिर तीसरी मांगोगे। वो मन में सोचता है कि मैं सिर्फ बेटी मांग रहा हूँ, ये दूसरी तीसरी बात कहाँ से कर रहा है। बाद में उसको पता लगता है कि वो जानवरों के बारे में सोच रहा था, उससे कहा नहीं मुझे तुम्हारी बेटी के बारे में, तो उस बहुत नाराज़ हो गया वो कि मैं। अच्छा, वो उसका कैरेक्टर बड़ा इंटरेस्टिंग था। दूसरा बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर थी द लेडी वॉज अ मैच मेकर, जिसको हर घर घर में हर घर में घुस के और रिश्ते बनाने की कोशिश करती थी। या एक बात कहना चाहूँगा, जो इस लेडी की दो बातें कि जो वो ऑडियंस को लेता था, और पृथ्वी जो ये है कि ये हमारी एक मानसिकता है, और ख़ास करके अगर हम इंडियन फिलॉसफी की बात करें, भारतीय दर्शन की बात करते हैं, तो जब तक कि आपके माता पिता जीवित होते हैं तो आप उसको गॉड कह लीजिए या सुपरनेचुरल पावर कह लीजिए या एक कोई फोर्स कह लीजिए, तो उसके बीच में आपके जो बुज़ुर्ग हैं पेरेंट्स हैं वो होते हैं, और जब वो नहीं होते हैं तो फिर वो होता है और आप होते हैं, फिर बीच में कोई नहीं होता है। वहाँ पे एक चीज़ है कि पृथ्वी उस पूरे उसमें एक थोड़ा सा उसके अपनी एक हैसियत है, उस छोटे से कस्बे में लोग उसको ज़्यादा मानते हैं, उसके पास सलाह मशवरा के लिए जाते हैं, उसको लगता है कि लोगों को कि हाँ ये सही दिशा और सही बात कह सकता है, बता सकता है, गाइड कर सकता है हमें। लेकिन पृथ्वी उससे बात, आप उसको कुछ भी कह सकते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से, आप उसको ईश्वर कह सकते हैं या एक ऐसा फोर्स है जो कहीं ना कहीं उसके साथ एक रिलेशनशिप है, वो उसी से झगड़ता है, उसी से परमिशन लेता है और उसी के कहे अनुसार वो चलता है। एक जस्ट वो एक सिंबल है। दूसरी जो मैच मेकर वो लेडी की बात की, ये हम अपनी परंपराओं में ही देखें कि हम सभी लोग छोटे छोटे कस्बों से और छोटे छोटे वहाँ से निकल के आए हैं, शहरों से निकल के आए, पहले एक नाउ और नाइन की एक वो हुआ करती थी, और जो रिश्ते बनाते थे वो मतलब आपको कहने की ज़रूरत नहीं होती थी, वो जो नाउ होता था जो बाल काटता है ये करता घर में आके काटते थे, उसकी जो पत्नी होती थी वो ये काम करती थी कि फल आपकी बेटी बड़ी हो रही तो उनका बेटा है अगर आप चाहो तो उनके साथ, तो वही जाके पहली बात वही जाके किया करती थी। ये हमारे अपने ट्रेडिशन में आज भी गांव में ये मौजूद है कि वो नाई और नाउन जो हैं वो जा करके इस काम को, इवन जो न्योता देने की आप बात करते हैं कि इनविटेशन देने की, तो वो भी हल्दी जो भी आपके इनविटेशन होता है उस पर हल्दी लगा के उस जा करके वो इनवाइट करके, और ये माना जाता था कि ये वही आए हैं, उन्होंने ही इन्वाइट किया है। तो ये परंपरा तो हमारी अपनी इंडियन परंपरा है। बहुत सुंदर। और ये फिडलर ऑन द रूफ में भी एक मैच मेकर था, इसको इंडियन वे में तैयार किया गया। एक बहुत ह्यूमरस सीन था कि लेडी अपने ही जिस वॉकिंग स्टिक से चलती है उसी पे लात मार देती है। तो इस तरह के क्या कहना चाहिए, टंग इन चीक ह्यूमर तो था ही, लेकिन स्लैपस्टिक ह्यूमर भी था इसमें। और सीनिक डिज़ाइन बहुत ही इंटरेस्टिंग था, वो जो पीछे एक मचान सा बना हुआ था यहाँ पर जाके वो खड़े होता था, और वो जिस तरह से बात करता था, कुछ टाइम तो ऑडियंस से बात करता था, फिर जैसे उन्होंने सही बताया कि वो
उस टाइम से ऊपर भगवान से बात करता था. तो हर एक कैरेक्टर जो था वो बहुत ही वेल डेलिनेटेड कैरेक्टर, कैरेक्टराइजेशन बहुत इंटरेस्टिंग थी. एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था जो बाहर से आता है, जो दिल्ली से आता है, जो उन सबसे अलग है, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? वो एक हमने सिंबल के तौर पे उसको इस्तेमाल किया है. कुछ लोग हैं, मतलब मैं भी अगर अपनी बात करता हूँ तो जब अभी तो ये उत्तराखंड है, उस समय उत्तरांचल उत्तरांचल चला करता था, जब उत्तर प्रदेश से अलग होने की बात हुई थी और एक मूवमेंट चला था, तो फ्रीलांसर था, जेब में बहुत कड़की होती थी, बहुत कम ही होता था विजिट करने के, जाके देख के आते हैं ये जन जनरेशन है ये क्या कर रही है, क्या सोचती है, इनसे बात करते हैं. तो मैं दिल्ली से निकला और बस पकड़ के चला, तो मैं रात वहाँ बिताता था जहाँ पे ये लोग अनशन करते थे, जहाँ ये लोग भूख हड़ताल कर रहे हैं, अनशन पे बैठे हुए हैं, तो उनके साथ बात करते करते मैं वहीं सो जाया करता था, और एक फर्स्ट हैंड जो थी. तो इस तरह के कुछ लोग होते हैं जो जाकर के काम करना चाहते हैं, बहुत ही सीरियसली, मतलब वो देखना चाहते हैं. तो उसी तरह से एक ऐसा लड़का जो जीवित है, जीवित इन द सेंस कि वो क्या घटित हो रहा है उसके प्रति उसका सरोकार है, वो अपने को रिलेट करता है, जानना चाहता है कि वाकई क्या, जब उसको लगता है. तो वो एक सिंबल के तौर पे जो उस तरह का एक जागता हुआ इंसान है, जो सिर्फ सांस नहीं लेता, आसपास हमारे देश में हमारे समाज में क्या घटित हो रहा है उसके प्रति हर इंसान की एक सामाजिक सरोकार बनता है. तो उस तरह का इंसान था, जाकर के मदद करना, जाकर के देखना क्या सही है क्या गलत है, जिसको हम कहते हैं कि जमीन से जुड़ा हुआ इंसान, ग्रास रूट. एक तरह का वो गिविंग अ मॉडर्न आउटलुक टू सोसाइटी विच सीम्स टू बी प्रिमिटिव, जैसे दिल्ली से आया है तो ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू का एक तरह का वो ऑब्जर्वर भी था. तो ही वाज गिविंग अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव टू द होल प्ले, कि जहाँ दिल्ली वाले की नज़र से कैसा है और दिल्ली वाला उनकी नज़रों में कैसा है, बिकॉज ही इज ऑल्सो एन एलियन और उनसे बहुत अलग है, उनकी रीति रिवाजों में बिलीव नहीं करता. और ये रीति रिवाज से शुरू में तो एक पूरा गाना है इसके ऊपर, रिवायतें जो हैं हमारी, जो हमारी ट्रेडिशन हैं, हमारी परंपराएं हैं, उसके ऊपर पूरा वो था. तो उसके बाद वो मैंने वो एक वो इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था. जो तीनों दूल्हे और बेटियाँ भी क्या इंटरेस्टिंग थी, जो पाँचों बेटियाँ हैं एक दूसरे से अलग, सब में एक अपनी अपनी अलग अलग कैरेक्टराइजेशन है. तो बेटियों में भी जो सबसे बड़ी बेटी है, जो अल्टीमेटली वो रिजेक्ट करती है बख्शी का जो ऑफर, पिताजी तो दारू पी के मस्त हो गए थे और उन्होंने पृथ्वीनाथ ने है हाँ कह दिया और कह के आ गए, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि वो से फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग था, सोशली इंडिपेंडेंट था, उसके बावजूद जब उसकी बेटी कहती है कि नहीं मैं साधारण से दर्जी के साथ विवाह करूंगी, तो उसको नाना करते हुए वहाँ कर बैठता है. तो वो हाँ तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग था. और क्योंकि हमारे दर्शकों ने भी ये कल नाटक देखा होगा और हमारी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, अगर उनका भी कोई सवाल है तो वो सर से पूछ सकते हैं. हेलो सर, द फर्स्ट ईयर आई सॉ द प्ले, वाज लाइक वेरी इंटरेस्टिंग फॉर 2.5 hours, इट वाज रियली एंगेजिंग फॉर मी. I was expecting a different ending. I mean, because I didn't believe it ended there. Because when the middle girl, third girl was she married the Muslim guy and she ran away, and the father was not accepting her. And then later the Hindus were displaced from their places, and then the play ends there. So what kind of conclusion or what kind of inference that I don't know. सही कह रहे हैं आप कि जो तीसरी बेटी है जिसने मुस्लिम से शादी की है उसको एक्सेप्ट नहीं करता है,
उसके पीछे सिर्फ यही है कि जो हम शुरू में जैसे अभी बात किया, जो हम ट्रेडिशन की बात कर रहे हैं, परंपरा की बात करते हैं, वो शायद एक्सेप्ट कर लेता एक वहाँ पे, वो छोटा सा उसकी एक सोलोलोकी सी है कि कब तक की? अगर अब किया तो टूट जाऊंगा, नहीं उठ पाऊंगा, कब तक की हम समझौते करते चले जाएं अपनी जिंदगी में, कभी तो हमें स्टैंड करना पड़ेगा। उसके बाद उसकी दो बेटियां और हैं, हर हालात में वो खुश रहने वाला इंसान भी कभी ना कभी तो ना पे आता है, टूटता है। वो कहता भी है ना उसके पहले कि नहीं मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकता, उसके पहले वो तीन लाइन बोलता है, कि मुझे एक्सेप्ट करना है पर सोसाइटी के बारे में हाँ, सोच रहा हूं कि वो फिर कि वो मतलब वो पॉइंट चिंतन हो रहा है ऐसा लगा। वो एक सोसाइटी की भी बात करती है, लेकिन उसके बाद अंत में वो क्या बोलता है जिसके बाद ही वो एकदम रिजेक्शन पे आ जाता है कि कब तक की? अगर अब हुआ तो मैं बिखर जाऊंगा, टूट जाऊंगा, अब नहीं, अब तो मुझे कहीं ना कहीं स्टैंड करना होगा। कब तक की हर किसी की जिदों को, हर किसी की फरमाइश को, मेरी भी तो अपनी इच्छाएं हैं, मेरे साथ भी तो कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ है, समाज जुड़ा हुआ है जहाँ पे हमारी, वो उन सबको छोड़ करके वो दो बेटियों के साथ वो, हालांकि जो सेकंड बेटी है जिसके जो दिल्ली वाले लड़के से जिसकी शादी होती है उसके पास भी कुछ नहीं है, ना दौलत है ना शोहरत है, कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी वो अंदर से चाहता था, लेकिन वो कहता भी है ना कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, उसकी वो भी थी, लेकिन वो उसको भी देता, लेकिन कब तक की करेगा? और कहीं ना कहीं हम कुछ चीज़ें छोड़ते हैं, लेकिन एक जब इंतहा हो जाती है तो एक लिमिट आ जाती है कि नहीं, अब हम अपने समाज को, जिस समुदाय में, जिस उसमें हम रह रहे हैं, उसके प्रति भी हमारी कोई जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि वो उस कस्बे का, वो जितने लोग रह रहे हैं उनका कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप से एक मुखिया भी है, क्योंकि हर कोई उसी के पास समस्याओं को, जो भी उनकी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स होती है उसको लेके आता है, उसके अपने नातेदार हैं, रिश्तेदार हैं, गांव के लोग हैं, गांव में उसकी हैसियत है। तो यहाँ पे आकर के थोड़ा सा वो, उसके पहले वो बेटी बोलती भी है ना, जिस संवाद को लेकर के काफ़ी जब ओपन शो हुआ तो काफ़ी बातचीत हुई इसके ऊपर, दर्शकों से भी LTG में ओपन किया था, तो एक पूरा का पूरा समूह, एक ग्रुप पूरा इस बात पे था कि उन्होंने बड़ा जोर दिया कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो लड़की कहती है ना कि मैंने पढ़ा है कि जो बहुत सारे मुसलमान पहले कश्मीरी पंडित ही हुआ करते थे। ये एक संवाद आता है जिसको लेकर के काफी शुरुआत के उसमें प्रॉब्लम आई। तो ये बात है बेटा, वहाँ पे कहीं ना कहीं आ करके कुछ तो अपना ट्रेडिशन हमको करना पड़ेगा। और जो लास्ट सीन की तुम बात कर रही हो बेटा कि वो थोड़ा सा कि एंडिंग को लेकर के, वो पर अभी तो हम पहले इसमें तो अभी कर्टन कॉल हुआ, हम शुरू के शोज में कभी कर्टन कॉल नहीं करते इसमें, क्योंकि जो उसका जो सवाल हम खड़ा करना चाहते हैं वो मूवमेंट में है और फ्रीज होते हैं, वो पूरा इम्पैक्ट ख़त्म होता है, तो हम कभी कर्टन कॉल नहीं करते। वो एक सवाल है, कब रुकेगा ये? चलते ही चला जा रहा है, छोड़ते ही चले जा रहे हैं। अभी अगर हम को थोड़ा सा अगर हम अवेयर हों अपने पॉलिटिकल उसको लेकर के, तो आप अगर देखें कि हम बात पुनर्वास की बात करते हैं कि उनको वापस, जो कश्मीरी पंडित जो हिंदुस्तान के कोने कोने में फैले हुए हैं और जो कैंपों में रह रहे हैं उनको ले जा करके वापस कश्मीर में बसा दें। पीछे काफ़ी इसके ऊपर हंगामा भी हुआ जब ये मैडम की, महबूबा जी की सरकार थी और हमारे इसके साथ कोलोब्रेशन में, कोऑर्डिनेशन में जो उनकी सरकार, तो उस पर काफ़ी हंगामा हुआ कि आज भी हम वाकई क्या बसाना चाहते हैं, ले जाना चाहते हैं? ये तो अभी भी जो बचे खुचे लोग हैं अभी भी वो चल रहा है, मतलब 3.5 लाख
परिवार जो है 3.5 लाख परिवार वहां से निकल चुका है और बाकी धीरे धीरे निकल रहे हैं। तो ये तो चल रहा है, उसको यही तो सवाल है कि आखिर कौन कब रुकेगा और कौन रुकेगा, कौन है इसका जिम्मेदार। हम बसाना तो दूर की बात है उनको वापस ले जाके, जो अभी भी वहां से पलायन कर रहे हैं, विस्थापित हो रहे हैं, क्या हम उसको भी रोक पा रहे हैं जो गिने चुने बचे खुचे लोग हैं। ये सर एक प्रश्न मैं पूछना चाहता हूँ जी, कि किसी भी नाटक के लिए उसका शीर्षक देना बहुत ही मुश्किल काम होता है। किसी भी नाटक के लिए उसका शीर्षक देना बहुत ही मुश्किल काम होता है ऐसा मैं समझता हूँ। जब फिडलर ऑन द रूफ फिल्म और उसको बिल्कुल यथारूप आपने इस नाटक में रखा है, तो आपने इसका शीर्षक खामोशी सिली सिली जब रखा, तो इसके पीछे आपका बहुत अच्छा सवाल है। एक तो खामोशी साइलेंस और सिली सिली, आप उसको क्या कहेंगे जो सीलन होती है ना आपकी दीवारों पे, जो सीलन आती है सीपेज होती है ना, इसको बोलते हैं शायद आप। खामोशी भी है और कौन सी खामोशी है, सीली हुई मतलब एक खामोशी हो गई उसके साथ जो आपको डिप्रेस भी करती ना, जो सीलन आपके कमरे में होती कहीं होती ना, तो वो आपको थोड़ा सा डिप्रेस भी करती है। खामोशी तो है, चुप्पी तो दुनिया ने साध रखी है, और कौन सी चुप्पी साधी सीलन वाली। एक उस पर खामोश हो जाना ज्वलंत मुद्दे के ऊपर, इससे बड़ा और क्या हो सकता है कि जो हमारे, और हम उस पर चुपचाप, सिर्फ हमारी सरकार ही नहीं, हम भी उसके जिम्मेदार, हम भी उसके हिस्से। ये शीर्षक पे काफी चर्चा हुई, काफी सोचा गया ये रखा जाए वो रखा जाए, नहीं, जो हमारा है ये निकल के आया, तो ये शीर्षक इस तरह से इसका चयन किया गया। एक अतिरिक्त पूछना चाहूँगा सर, पूछिए। इसमें संगीत पक्ष में गायकों का जो आवाज़ है बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस्तेमाल किया गया है, लेकिन मैंने इस पैम्फलेट में देखा गायकों के नाम कहीं नहीं है, तो ये जानने की। हमारे आपने बहुत सही कहा, हमने किसी बाहर से किसी भी गायक को नहीं बुलाया, जो हमारे एक्टर जो अभिनय कर रहे हैं और जो जिसका किरदार कर रहा है उसी ने अपना गाना गाया हुआ है, वो कोई बाहर से हमने सुना। और इसके पीछे भी रीज़न है कि हमने ये रिकॉर्ड क्यों किया, हम लाइव भी जा सकते थे, इसमें कश्मीरी म्यूजिशियन भी हमने, म्यूजिशियन हमने कश्मीरी बुलाए थे, और हमने 6 दिन में सारा उनके साथ रिकॉर्ड किया, अपने करेक्टर्स के जो हमारे एक्टर हैं उनके साथ ही, क्योंकि रंगमंडल की प्रस्तुति है ये चलती रहती है, और म्यूजिशियन के साथ हमें थोड़ी सी, अगर कोई है तो भाई माफ़ी चाहूँगा उनसे, कि तो बहुत परेशानी होती है, हमारे शोज लगे होते हैं तो वो सेम म्यूजिशियन का मिलना मुश्किल, और उनका ये भी होता है कि हम तो यहाँ बिजी हैं वहाँ बिजी हैं, तो हम सेम डे आ जाएंगे, हमको फ्लाइट कर दीजिए, ये कर दीजिए वो कर दीजिए, तो वो लगातार प्रस्तुतियाँ करते हैं, और उनकी वजह से अगर हम प्रस्तुति को सफर कराएं, मेरा अपना व्यक्तिगत ये रंगमंडल प्रमुख होने के नाते मैंने ज़्यादातर इस पर कोशिश किया है कि हम, क्योंकि उसके पहले लाइव म्यूज़िक भी करके देख चुके हैं, हमको शोज़ कैंसिल करने पड़ते थे, तो फिर यही है कि हम जहां हमें अवेलेबल हो जाएंगे कर लेंगे, लेकिन हम उन पर निर्भर नहीं रहेंगे कि आप आएंगे तभी शो करेंगे, हम आपके बिना भी कर लेंगे, भाई माफ़ी चाहते हैं अगर कोई लेकिन बहुत खूबसूरती के साथ हुआ है पूरा, धन्यवाद। इनके टाइटल के बारे में एक छोटी सी चीज जोड़ना चाहूँगा कि वो एक मेटाफर है जो अंग्रेजी में है, फिडलर ऑन द रूफ, मतलब कि जो रूफ पे बैठ के जो गिटार बजाता है वो गिर ना जाए, और उसका जैसे अंग्रेजी में है ना, जैसे हिंदी में दूध का जला छाछ फूक फूक के पीता है, और उसका अंग्रेजी का उसका है वहाँ का मेटाफर अलग है, लुक बिफोर यू लीव, तो इस तरह से कितनी बढ़िया तरह से फ्रॉम अ वेस्टर्न मेटाफर उसको इंडियन मेटाफर में किया गया, एंड इट वॉज अ कलेक्टिव एफर्ट ऑफ द डायरेक्टर एंड ऑल द कास्ट एंड मिलके, इन्होंने बहुत अच्छा, दैट वॉज अ नाइस स्विच ऑफ द टाइटल, बट विच वॉज वेरी अप्रोप्रिएट। थैंक यू।
प्ले शुरू होने से पहले ही 5 मिनट पहले जो गाना संगीत शुरू हो जाता है उससे पूरा माहौल बन जाता है। और सर लास्ट में पूछना चाहूँगा, क्योंकि सवाल बहुत सारे होते हैं लेकिन मन में जिज्ञासा है, इस ओरिजिनल फिल्म में एक बोटल डांस हुआ करता था, है मतलब उसमें, वो बहुत ही अट्रैक्टिव है, हालांकि आपके नाटक में इतना सारा मनोरंजन और डांस भी है, तो उसको कैसे आप अवॉइड कर पाए बोटल डांस को? देखिए, बोटल डांस वहाँ का अपना ट्रेडिशन रहा है, जो वहाँ का अपना, हमारे यहाँ ऐसा कोई ट्रेडिशन नहीं है। या तो फिर अगर हम बात करें तो वो जो हमारे मैखानों में हुआ करता है, वो जो बिना किसी उसके, तो वो भी एक प्रॉपर उस तरह से नहीं होता है, ना उस तरह की कोई हमारे यहाँ गीत हैं, वो हैं तो थोड़े से, अगर माफ़ी के साथ उस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, कि फुहरता की ओर लेके चले जाते हैं। तो हम पब्लिक के बीच में हैं, तो पब्लिक के बीच में हमें कुछ ऐसा ही करना होगा जो लोगों को भी, कहीं ना कहीं परिवार के साथ लोग बैठे हुए हैं, कहीं उनको ना, तो उसकी जगह हमने, अगर वहाँ बॉटल डांस था तो हमारे इस नाटक में अगर वो जिस तरह का भी हमने किया और जो हमारे कोरियोग्राफर थे उन्होंने उसको समझ के उस तरह से किया, तो मुझे लगता है कि वो उसके साथ हम नहीं कंपेयर करें तो ठीक है। हमारा अपना ट्रेडिशन है, हमारे पास अपनी चीज़ें हैं, तो हम अपनी चीज़ों पे ज़्यादा विश्वास कर लेते हैं, और कुछ हमारी आदत भी है कि अपनी चीज़ों पे ही विश्वास करना। शुक्रिया सर, धन्यवाद। अगर अब इसके किसी का भी सवाल नहीं है तो हम अब अगली हेलो सर। हेलो सर, मेरा सवाल यह है कि अभी भी वहाँ पे कश्मीरी पंडित रह रहे हैं जो कब अपना घर छोड़ के कभी नहीं गए, वो अपने घरों में वैसे ही रह रहे हैं जैसे वो रह रहे थे, तो क्यों ऐसा हुआ कि आधे वहाँ पे रह रहे हैं, दे आर लिविंग देयर विदाउट एनी थ्रेट, कभी किसी ने ये नहीं कहा कि आप यहाँ से निकलो, और क्यों आधे वहाँ रह रहे हैं आधे वहाँ से भाग गए, व्हाट इज द रीजन? आई थिंक इट्स अ फुल रिसर्च बेस्ड प्ले। बेटा आधे तो नहीं है, बहुत कम है, कुछ जगह पे बिल्कुल ही नहीं है। आप अगर कुछ डॉक्यूमेंट्रीज हैं इसके ऊपर, NDTV की भी एक डॉक्यूमेंट्री है, राज्यसभा ने भी एक बनाई है, आई थिंक वी हैव टू, एक और चीज़ है कि मेरे अपने जानने वाले हैं, जो पक्षी की जो बात है ना 3 दिन में, जिनके बगल में रहते हैं, जिनके साथ 3-4 पुश्तें गुजर चुकी हैं, जब इस तरह के वाक्या नंदीग्राम का हुआ है, आप कब जा रहे हैं, ये मकान इतना रुपया है आप दे दो, और आप नहीं भी दोगे तो हमारा ही तो होगा ये, ऐसे भी आप अगर देखें आज की तारीख में भी, कि जो दुमंजिले तिमंजिले मकान हैं, जो वुडन, आज उनकी हालत क्या है? आपने सही कहा कि कुछ लोग अभी रह रहे हैं, लेकिन उनकी हालत क्या है? कभी चल के देखें आप हमारे साथ, आप उनकी हालत देखिए कि वो कितने सहमे हुए रहते हैं, कुछ हैं, कुछ हैं इसमें, वो पुलिस इंस्पेक्टर कहता है ना कि हमने सोचा था कि वो तुम्हें छोड़ देंगे उसकी शादी के बाद, लेकिन नहीं, पृथ्वी को लास्ट में पुलिस वाला ये बोलता है कि कुछ लोग हैं लेकिन आधे नहीं है बेटा, हार्डली 7-10% लोग हैं जितने हैं। जगती आप कभी जाओ जम्मू, देखो आप, मिलो उनसे, आज मयूर विहार साइट में, या जो NCR जिसको आप बोलते हैं, वहाँ पे बैठ जाओ, वहाँ पे बहुत सारे कश्मीरी परिवार उन फ्लैट्स में रह रहे हैं, छोटे छोटे फ्लैट्स हैं, 2 बेडरूम 3 बेडरूम, इससे ज़्यादा नहीं, लेकिन उनसे जब बात करो तो अपने कुछ बढ़ाते भी हैं, हमारा तो ये था, हमारा तो वो था, उस तरह की भी बातें करते हैं। और ये बात एक और जो मैंने बीच में कही थी कि जो उनकी लड़ाई यहाँ बैठ के लड़ रहे हैं,
दिल्ली जैसे महानगर में, दिल्ली जैसे राजधानी में बैठ करके जो वहाँ की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो लड़ाई उन कश्मीरी पंडितों की लड़ाई नहीं है, उनकी व्यक्तिगत रूप से उनके अस्तित्व की और अपनी अपनी एक प्रतिष्ठा बनाने की लड़ाई है उनकी, असली में उनकी वो लड़ाई नहीं है। तो हैं 5-10% बचे हैं, उनके पास और कोई चारा, लेकिन जो उनकी अपनी ज़मीनें हैं वो कितने बजे तक की घर से बाहर निकल सकते हैं? घर उस पूरे, आजकल तो आप न्यूज़ भी देखते होंगे कि रोज़ कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हमारी फोर्सेस वो कर रही होती हैं। आप जो पत्थरबाजों की जो आप बात करते हैं, हालांकि मैं यहाँ उसको डिस्कस नहीं करना चाहता, तो उनके किस तरह से उनको प्रोवोक किया जाता है, किस तरह से वो किया जाता है, और उसमें जब फ्राइडे को जब नमाज के बाद एक इबादत जिसको आप कहते हैं कि आप उसकी इबादत कर रहे हैं, उसके बाद जो वहाँ पे आलम होता है, या हमारे जो डिफेंस के लोग हैं उनके साथ, या हमारे जो कुछ बचे खुचे लोग, बहुत कम बचे खुचे लोग हैं, वो किस तरह से डरे सहमे हुए होते हैं, इवन फोर्स तक की उस दिन थोड़ी सी डरी हुई होती है। क्यों? इसलिए नहीं कि उनमें हौसला नहीं है, इसलिए कि उनको आदेश नहीं है। थैंक यू सो मच सर, आप यहाँ पे आए क्योंकि फेस्टिवल चल रहा है और आपका समय भी बहुत कीमती है, लेकिन फिर भी आप आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं शिव के जी से अब प्रार्थना करती हूँ कि वो जो नाटक उन्होंने कल देखा है तो उसकी बारे में चर्चा शुरू करें। धन्यवाद, मैं थोड़ा सा माफी चाहता हूँ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं विपिन जी के प्ले पगला घोड़ा से। पगला घोड़ा आपको पता ही है, बादल सरकार का लिखा हुआ नाटक है और इसको कई सारे बड़े डायरेक्टर्स कर चुके हैं, ऑलरेडी कर चुके थे। तो मेरा एक तो उन्होंने जो लड़की का कैरेक्टर है उसके बारे में मैं थोड़ा जानना चाहूँगा कि इसमें ज़्यादातर डायरेक्टर्स ने जो है वो लड़की को एक रखा है, इसमें चार लड़कियाँ रखी गई हैं, तो उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या था? नमस्कार, इससे पहले कि मैं इस सवाल का जवाब दूं, मैं गार्गी हूं और मैंने इस पूरे प्ले के प्रोसेस में विपिन सर को असिस्ट किया है। मेरे साथ हमारी पूरी टीम है यहाँ युवा रंगमंच रांची की, एक्टर्स भी हैं। तो अगर मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगी कि अगर कुछ ऐसा प्रश्न हो जिसमें वो भी हिस्सा ले सके और एक इंटरेक्शन हो सके, क्योंकि डेफिनेटली हैड विपिन सर बिन हियर इट वुड हैव बीन अ मोर फ्रूटफुल डिस्कशन, बट वी विल ट्राई एंड डिस्कस एज मच एज पॉसिबल। ये प्रश्न मैंने भी उनसे किया था कि सर आप एक ही लड़की से ना करके और तीनों लड़कियों से क्यों अलग कैरेक्टर्स करा रहे हैं। उनका सीधा साधा एक ही जवाब था कि वो एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि ज़्यादातर, जैसा कि आपने कहा कि मोस्ट ऑफ द डायरेक्टर्स ने, और जब स्क्रिप्ट में भी ऐसा लिखा है कि एक ही लड़की वो बाकी तीन कैरेक्टर्स को भी प्ले करती है, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट भी था कि क्यों ना तीन कैरेक्टर्स को लाया जाए और उनके साथ फिर अलग अलग कैरेक्टर्स आकर के करें। आप में से कोई अगर इसका जवाब देना चाहें तो। This is a dream with you, nothing to say. हाँ, ये एक्सपेरिमेंट था कैरेक्टर का। इसमें
कुछ इसके जो जो भी इसकी प्रस्तुतियाँ हुई हैं उसमें कई डायरेक्टर्स ने जो इनके जो पेयर्स हैं उनके जो प्रेम संबंध हैं उसको अंडरलाइन किया है, उसकी जो जैविकता है वो उसको अंडरलाइन किया है, लेकिन इसमें उसको उतना अंडरलाइन नहीं किया गया है। क्या इसकी कोई खास वजह है? कोई और जवाब दे सके टीम का? मैंने कहा कि इसमें जो पेयर्स हैं है ना, तो उसमें कई डायरेक्टर्स ने जो है वो इनके जो प्रेम संबंध हैं जो वो अपनी कहानी पीछे जाकर नैरेट करते हैं तो उसमें उनकी जो जैविकता है यानी जो जो प्रेम संबंध उनकी जो उसको अंडरलाइन किया है, ज़्यादा अंडरलाइन किया है, लेकिन इसमें वैसा नहीं है। कोई इसके पीछे की कोई मेरे ख्याल से इस पूरे प्रोसेस में एक तरीके से हर कैरेक्टर जो है वो उसका फ्लैशबैक, वो उसकी मेमोरी, उसका पास्ट तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं वो उसकी सबकॉन्शियस आवाज़ें हैं, तो जो उसकी यादें हैं वो बड़ी धुंधली हैं, एक बार आती हैं लेकिन क्योंकि वो सिचुएशन ऐसा है और वो शमशान में आए हैं और चारों बात कर रहे हैं लेकिन वो बहुत मतलब बहुत कवर्ड लेयर्ड बातें चल रही हैं कि वो जिक्र होता है और धीरे धीरे जा करके फाइनली हर एक कैरेक्टर जा करके फिर वो मेमोरी, वो जो हम फ्लैशबैक हमने किया स्टेज पर, तो मेरे ख्याल से शायद अंडरलाइनिंग की जो आप बात कर रहे हैं मेरे ख्याल से उन्होंने वो बहुत मेमोरी की तरह दिखाने की कोशिश की है कि वो बहुत पुख्ता, बहुत ठोस नहीं है, वो आती है जाती है, तो शायद इस वजह से। और एक बात है कि इमेजिनेशन की बात कही क्षणिक है वो, कि एक लड़की तो आपके सामने डिजाइन के रूप में वहाँ दिख ही रही है लेकिन वो आपका इमेजिनेशन है जो, इसीलिए डायरेक्टर ने डिजाइन भी किया है कि कहाँ है वहाँ वो फ्लक्चुएट हो रहा है, तो आपका वो सबकॉन्सियस ही है जो याद दिला रहा है, एक्चुअल में वहाँ है नहीं, इस बात को इस तरह से दिखाया गया इसलिए अंडरलाइन नहीं किया उन्होंने। इसी के साथ एक दूसरा जो जो फीमेल कैरेक्टर्स हैं वो एक चौकटे के पीछे बैठी हुई हैं और वो लगातार एक स्लो मोशन में कुछ क्रिएट कर रही हैं, एक मूर्ति क्रिएट कर रही हैं जो कि कभी पूरी नहीं हो पाती है, है ना, उसको उसको कंसीव करने के पीछे का क्या? एक तो इसके पीछे सर का भी एक पर्सनल उनकी मेमोरी रही है कि वो हैं चंद्रपुरा से और चंद्रपुरा में एक श्मशान था जहाँ वो गए थे और उन्होंने कुछ ऐसा ही देखा था, ऐसा ही डिज़ाइन, इसलिए वो बड़ा स्केलेटन स्ट्रक्चर जैसा वो सेट भी रखा गया और वहाँ पर ऐसी बांस बल्लियाँ फेंकी थीं, कपड़े फेंके हुए थे और वो बताते थे कि वो बहुत ही उन्हें क्रीपी, बहुत ही स्पूकी फीलिंग उससे आती थी, तो मेरे ख्याल से उसको ध्यान में रखते हुए कि वो बिजनेस वो पीछे उन्हें दिया गया डॉल्स के साथ, वो डॉल एक तरीके से उन्हीं के कैरेक्टर को सिंबलाइज करती हैं, तो वो उन्हीं के साथ वो सारे बिजनेस पीछे हर कैरेक्टर को दिया गया और जी इसमें एक एक इस तरह के जो सीन्स हैं, कुछ सीन्स हैं जिसमें जो 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 पेयर्स हैं उनके बीच जो संवाद होता है उस दौरान वो जाहिर है कि जो लड़की कैरेक्टर है वो भी बीच में रहती है और बैकग्राउंड में म्यूज़िक चलता है चाहे फ्लूट हो या कुछ और हो, लेकिन उनका जो संवाद होता है उसके साथ उस लड़की की जो आवाज़ है चाहे वो पैर पटकने की हो या कुछ भी हो और जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है उससे जो उनका संवाद है वो स्पष्ट नहीं होता है, तो क्या इसके पीछे ये कोई मंशा थी कि इस वक्त की जो प्रोसेस है उसी पर हमें ऑडियंस का ध्यान रखना है या संवाद को नहीं सुनने देना है, ऐसा था क्या कुछ? नहीं, ऐसा नहीं था कि संवाद को नहीं सुनने देना है। मेरे ख्याल से ये जो पूरी स्टोरी चली और जहाँ हम लड़की के कैरेक्टर की बात करते हैं तो इस पूरे प्ले का जो हम कहें कि एक जो मेन जो पंच लाइन है वो ये है कि जिंदा रहने पर सब संभव है, लेकिन वो उस लड़की के लिए संभव नहीं रहा क्योंकि वो अंत तक अपनी ज़िंदगी तक एक एक वो
अर्थ ढूंढते रहे कि मेरे जीने की सार्थकता क्या है, क्यों मैं जिंदा क्यों हूँ, और मरने के बाद भी उसके मन में ये प्रश्न रहा, तब जाकर के वो हर कैरेक्टर के मन को, उनके कॉन्शियस को वो कुरेदती है। और तो जहाँ तक हर कैरेक्टर की बात है, हर फ्लैशबैक में उसे लगता है कि हाँ शायद शायद इसे वो एक अर्थ ढूंढ रही है कि ये लड़की मरी तो इसके जीने का, इसके एग्जिस्टेंस का कोई इम्पोर्टेंस था या नहीं, तो वो कित-कित खेलती है, वो एक गेम के फॉर्म में उसको वैसा डिवाइस किया गया कि वो हर फ्लैशबैक में कित-कित खेलती है और वो देखती है कि क्या मैं अब जीत पाऊँगी, क्या क्या मुझे अब एक रीज़न मिल पाएगा। तो वो संवाद को छुपाने के लिए नहीं था, वो दरअसल वो उसका भी एक सबकॉन्शियस माइंड है कि वो ढूंढ रही है, वो एक एक अर्थ ढूंढ रही है कि शायद अब मेरी जीत होगी, जो वो फाइनली हर फ्लैशबैक के बाद में कहती है कि मैं जीत गई। तो वो उस गेम के थ्रू उस पूरे सीन को डिवाइस किया गया। मुझे लगता है ये इस तरह के प्लेज, चाहे पगला घोड़ा हो या सारा जी का प्ले ओपन कपल हो, इस तरह के प्लेज जो है वो होता ये है कि हमको खुद जो है वो अपनी ज़िंदगी में ले जाते हैं और हम वहाँ से अपने को, जैसे इसको हम अगर कहें कि विपश्यना की एक जो पद्धति है कि आपको अपने भीतर ले जाना, आपको कहीं से जो है वो एक वो नॉकिंग होती है और आप अपने अंदर प्रवेश कर जाते हैं जी। तो जिसको एक शेर में कहें कि उनकी नज़र से देख लिया अपने आप को, मुझको मेरा ही चेहरा दिखाकर चले गए। तो ये उस प्रोसेस, ये हम दूसरी भी बात करेंगे सारा जी से, लेकिन इस बीच में और जो ऑडियंस में एक आप स्टूडेंट्स में से कोई सवाल करना चाहे तो प्लीज। हेलो, मैं निकिता हूँ, फर्स्ट ईयर से, और ये नाटक जो है पगला घोड़ा मैंने बहुत पढ़ा भी है और ये नाटक मैंने खुद भी किया है, तो इसलिए मैं पूछना चाहती हूँ। मेरा जो सबसे पहला प्रश्न ये था कि जो लोकाल है इस नाटक का वो शमशान है, तो जब वो नाटक का ओपनिंग हुआ तो शमशान, क्योंकि वो सेट अपने आप में इतना अलग था तो वो ब्रेक किया शमशान का। मेरा सवाल ये है कि आपने जो लड़कियाँ, जो लक्ष्मी, मिली, मालती जो कैरेक्टर्स कर रही थी तीनों लड़कियाँ, और जो मेन लड़की थी, तो सबको आपने मास्क दिया फुल कवर करके, लड़की को आपने क्यों सिर्फ आँखों पे ही कवर किया, उसको पूरा कवर नहीं किया? मास्क सबसे पहले यूज़ इसलिए किया गया था, आपने ये नोटिस किया होगा कि लड़कियाँ जब पीछे जाती हैं तभी वो मास्क पहनती हैं, तो वो एक तरीके से वो सामान्यता भी दिखाई जा रही थी कि ऑल्दो दे आर 3 to 4 डिफरेंट कैरेक्टर्स बट द स्टोरी इज समहाउ सिमिलर, वो एक कॉमन ग्राउंड में कहीं ना कहीं उनका एक्सप्लॉयटेशन या जो भी उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक रहा है। तो वो इट इज़ नॉट जस्ट दोज 4 कैरेक्टर्स बट वुमेन इन जनरल ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो लड़की को, हाँ, आई एम कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, तो मास्क हमने शुरुआत में चारों लड़कियों को एक तरीके से ही दिया था, लेकिन जो लड़की है उसके डायलॉग्स बहुत कवर हो जा रहे थे, फिर हमने मास्क हटाया तो फिर लगा तो फिर तीनों को पीछे मास्क देना और इसका मास्क हटाने का फिर कोई लॉजिक नहीं बनेगा, सो दैट इज़ व्हाई वी डिवाइज्ड अ हाफ मास्क। एक्चुअली बिकॉज शुरुआत के सीन में जब मालती आती है और वो शशि से बात करती है तो वो अपना मास्क उतार के पूरा डायलॉग्स पूरा सीन किया था, बट लड़की का जो था शुरुआत में सिर्फ आंखों पे मास्क था, तो उनको फ्रीडम मिल गया अपने फीलिंग को बताने का, उतार के बोलने का। बट मुझे कहना कि क्योंकि जो नाटक है कि जो चारों कैरेक्टर्स हैं मेन, औरत को ही जलना पड़ा प्यार में, और मुझे लगा कि मास्क उन चारों पे होना चाहिए था, लड़कियों को फ्रीडम मिलना चाहिए था पूरा एक्सप्रेस करने की अपनी बात को। तो इस तरह से सोचा कि ये मास्क अगर हम चारों को, लड़कों को पहनाते हो, लड़कियों को फ्रीडम देते तो ये कुछ वो मीनिंग तक शायद आपको लगता है कि वो पहुंच पाता, मुझे वो लगा एज ऑडियंस देखकर। थैंक यू। नहीं, हाँ, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन, आई विल डेफिनेटली टेल दिस टू बिपिन सर, बट दैट कैरेक्टर जो लड़की का है वो उन तीनों जो लड़कियां हैं वो बताती है, उनको रिफ्लेक्ट करती है वो लड़की, सो उसका आंखों का छुप जाना वो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि उसके कैरेक्टर को ढकना हो गया, उसका
वो बहुत कम उम्र की लड़की है, 20 से 23 साल की लड़की है, उसका थोड़ा बचपना भी है, और जो मलिक बाबू है, जो मलिक बाबू ने उसके साथ किया, तो उसका बचपना, उसका वो सब कुछ सहना, और फिर वो छुप गया, मुझे ऐसा लगा वो कहीं ना कहीं एक्चुअली शायद इस वजह से भी है कि दे नेवर हैड द फ्रीडम टू एक्सप्रेस. मरने के बाद भी वो अर्थ ढूंढ रही है, वो अभी भी वो जकड़ी हुई है. तो मास ये तो है कि हाँ फ्रीडम है ही नहीं. हाँ, क्योंकि इसलिए दे एंडेड देयर लाइफ बिकॉज ऑफ दैट. बहुत ऐसा हो जाता कि अगर उन चारों को मास्क पहना के उनको फ्रीडम दिया जाता तो शायद हो सकता था, मुझे ऐसा लगा. मैं जरूर आपका मैसेज कन्वे करूंगी. थैंक यू सो मच. सर तो फिर हम अपने नेक्स्ट जो सारा जी से आप. हाँ, सारा जी से मनोहर जी. तो डायो फॉर माई फेवरेट डायरेक्टर. मैंने उसके प्लेस को अलग अलग लैंग्वेजेस में किया. आई डिड एक्सीडेंटल डेथ ऑफ एन आर्टिस्ट एंड आई ऑल्सो डिड कांट पे वोंट पे. तो मतलब आई वॉज वेरी फैसिनेटेड. मैंने प्ले पढ़ा नहीं था एंड ओपन रिलेशनशिप. And it seems to be a dialogue between Dario Fo and his wife, Franca Rame, you know, kind of a thing, because they wrote the play together. So, in play, the most interesting thing is that who did the translation of the play? I did. It's not really a translation, kind of an adaptation. It was an adaptation, yeah. That was what my question was going to be. And first of all, I mean, we are very honored that people from different countries are coming, and Bangladesh was represented by you. Because I was on the committee which had to choose the plays, foreign section. Thank there you. There were nearly 20 plays from Bangladesh, you know. I know, we so all apply. We were so overwhelmed, you know, by the kind of interest that people from, and then there were Bengali players from West Bengal as well. So it was, I mean, it showed that there is so much theatre happening in that part of the world, you see, West Bengal and Bangladesh. And it was very interesting, and you and the other, I don't remember his name, the other actor. Ziaul Hasan Kichlu, you can come. Ziaul Hasan, yeah. तो मुझे ऐसा लग रहा था ज़ोल हसन साहब कि इनकी तो खैर स्क्रिप्ट तो रही है, डायरेक्शन वॉज इम्पेकेबल. आई एम श्योर वेन सिंस बोथ ऑफ यू एक्टेड तो उसमें आपका भी काफ़ी रोल रहा होगा इन चेंजिंग द स्क्रिप्ट एंड मॉडिफाइंग इट अकॉर्डिंग टू द एंड यू पीपल सीम टू हैव वर्क्ड क्वाइट अ लॉन्ग टाइम टुगेदर. हाँ, तो इसलिए वेरी इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप बिटवीन द टू ऑफ यू. एंड आई लाइक द वे यू हैड क्रिएटेड दैट विंडो. एंड ये दिस इज अ वेरी मच अ डारियो फो डिवाइस. That the characters break out of their charactership. The play and come out and narrate. Come out. And the way you jumped out of the window, was it there in the Dario Fo play or was it an addition from you? No, actually Dario Fo, as you know, is a Nobel laureate and he actually, his famous plays, Death of an Anarchist and Can't Pay, Won't Pay, these are very famous plays. But the open couple is not really, you know, the front line. Because play. It wasn't a political statement. Those plays became famous because of the political statement. My choice, I'm coming to the next point, of bringing up this play is that we are always putting up on stage political issues, social issues, but our community, our countries are being... Our countries are people are, because of cell phones and all that, nowadays more and more people are into very complicated interpersonal relationships. So I willfully wanted to do this play because we never talk about it, leave alone mass media. When we are on radio, sometimes people can hide their faces and place questions. So all these
once you have gotten married, but then now you're, you know, you are married, you have to keep the marriage, because what will society say, what will happen to the children? You keep the marriage, but all these affairs and all continue, and it wrecks your life, it wrecks your mental peace. So I wanted to say these things, and in Bangladesh, it's quite a bold statement, because some of the things that are spoken about on stage, you know, it's a Muslim-majority country. So it being a stage, I could do it. If it was mass media, it would have been difficult. Yeah, and it is interesting, the feminist aspect of it, that when the man is having many relationships, he wants an open marriage. But the moment a woman starts creating her, either it is part of it is fantasy, or whether there was really a character in her life who had entered her life. The moment a woman seems to be having another relationship with a guy, the husband, the husband suddenly changes course. You know, it reflects a kind of a chauvinism. His ego is hurt. Ego and chauvinism. That as long as I am having this great relationship with so many women, it's fine, you know. I am in a superior position, and I tell her to have a moment she has, then his possessiveness comes across. So that came out very well. And the way both of you switched between the character, you jumped out of the window and said, no, I'm nothing will happen to me, I'm on stage only. You know? So that was a very interesting kind of a Brechtian alienation that was created. We love that part because we have done a lot of Brecht. Done a lot of Brecht. Our company. Brecht was my favorite as well. Yeah. I see, yeah. So would you like to say something about, you know, because we would love to know about what is happening in Bangladesh as far as theatre is concerned, and the kind of ambience you have, the kind of freedom you have as far as expression is concerned, that would be of great interest to the audience as well. Yes, we are, many of us are very keen on theatre. We started our movement right after our independence in 71. We were, in a way, re-inspired by the Kolkata theatre. Are you from, did you do your play in Hindi? In Hindi. In Hindi. You're not from Kolkata? No, we're not. Okay. So we were very inspired from that that country, though we have a tradition of 2,000 years of Bangla play. But ever since that 45, 47 years, we are a group of people are on with the stage. We practice stage. I'm on the stage for 45 years. So somebody will approach me and say, oh my God, I used to watch your play in the 90s. When I was young, when I was a student. So we are, I always say, because of the change in the situation, the Soviet Union and the USA, the two superpowers, when it became one and we started going towards capitalism, a lot of changes happened in our social situation. With that, the drama groups were still, you know, in the group theater movement, very much in the socialist order kind of thing. So that is my analysis. Maybe a lot of people will not agree with me, but I think if we moved with the market, our play would have been much more vibrant. We suffer from lack of audience. We don't get the kind of audience that we would like to get because of traffic jam. That is one big reason. In Dhaka only? In Dhaka. Okay. Well, most of the plays are happening in Dhaka. Okay. And now what is happening, people are still active. Like people like me or younger generation, people who once get attracted to stage remain attracted and remain committed. So we continue to do plays. We continue to do it. And we also now, there's a trend to participate in festivals. So it's like become a parallel cinema the way it is, you know. You're not on the cinema halls, but you are there in the festivals. But yes, say out of 10 plays, 4 plays are very good. Maybe 6 plays are not up to the mark. But
people continue to try to, the ones that are good, to play on in Dhaka and then also in other countries. So judging from the number of entries, it seems to me like there is a real theatre movement. Now, I want to ask you one question, because I have worked personally with Bharat Sarkar for almost 10, 20 years. Oh. You used to come here, watch our plays, do workshops with us and all that. Has Bharat Sarkar's third theatre or Grotowski's Boer theatre had some kind of an impact in Bangladesh? You have to just... I've tried to get a hang of third theatre. If you could just tell me what is the main... you know, what is it? That we could probably do it offline. But okay. Anyway, basically, like Grotowski's was that keep everything out. In fact, Bharat Sarkar worked with Grotowski. Keep all the elements the minimal, minimalized theater, mm-hmm. and keep it purely to the actor, you know, and his performance. And Bharat Sarkar called it third theater because combined with Grotowski's idea of taking away all the elements, he also wanted to do something, wanted to differentiate between the rural theatre and the urban theatre. The theatre from the rural masses and all that. And he brought certain amount of folk element into the theatre. But more or less their idea was, that is why I asked the question together. Yeah. We are going the simplistic way, being very actor dependent is what you're saying. Going away from too much of stage and too much of light and all those razzmatazz. If you are just focusing on the simplicity, I have not seen much of that. Because now people are getting more and more dependent on song and dance. So a lot of physical activity, we are getting more physical. And a lot of technical set design, one would have thought because of the proximity, that would be a natural, because we were sitting with Bharat Sarkar in Sri Ram Center, and one actress from Pakistan, she suddenly landed up and met all of us, Madiha Gohar. Yes. You know, from the Ajoka Theatre Group. Yeah, I knew her. Yeah. So she was my friend. First drama was Bharat Sarkar's Baki Tihar. So we did the first play, but it was very much box presentation. I see. It was not the third theatre. Ah. But his first few plays were box plays also. Our first play was Badal Sharma. So Madhya Gohar told us that they had done Jaloos in Pakistan. Achha. And my group did Toba Teksing. Yeah, we also did Toba Teksing in Bangladesh. So there my husband directed it. So they recorded a play and took it to Pakistan, and they produced their own Toba Teksing also. Yes, yes. So probably the influence hasn't been that strong, even though the Bharat Sarkar's the later form. I, at least to my knowledge, I have not seen much of that. The simplistic presentation. I think sir also saw the play, so he put. Saraji, ek sawal main karna chahunga. Aap 60 plus hain. और आपने ये प्ले जो है वो लंदन में भी किया है शायद और बांग्लादेश में भी आप कर ही रही हैं यहाँ आप कर रही थीं तो जो कंफर्ट आपका आप एक्टर डायरेक्टर हैं आपका जो कंफर्ट था और जो जिसको कॉन्फिडेंस कहते हैं वो जो कल दिख रहा था तो यहाँ के लिए मतलब दिल्ली की परफॉर्मेंस के लिए वो व्हाट वाज योर किक. Well, it is a dramatic theatre, very dialogue dependent. I could feel that the audience could understand Bangla, but we worked very hard on the subtitle because this play is a two-character play and we get invited to many festivals. So my first experience was that the Bangla audience, so I was not worried about they will not understand. And thirdly, I could also depend on the subtitle. I think we practiced a lot with the subtitle, and this is the first time we used it, actually. Mm-hmm. So I didn't have to worry that I won't be able to communicate. I felt very comfortable. I found the NSD arrangements very, very professional, because we also very professionally set the architectural drawing. Everything was put up in just 1 hour, which was amazing, and I have to thank
the National School of Drama for this. I think London we did it, but we took a lot. We took 2 days to put up the stage because it was done by amateurs. And they, of course, put up their best, but in Delhi we were very, very comfortable. आपको लंदन की ऑडियंस में, बांग्लादेश की ऑडियंस में और यहाँ की ऑडियंस में जो उनका जो रिएक्शन था उसमें आपको किसी तरह का फर्क? नो नो, बट व्हेन वी डू इट इन बांग्लादेश द वे दे अंडरस्टैंड दे कुड दे गिव यू नो यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम द रिएक्शंस ऑफ द ऑडियंस द लाफ्स दिस दैट एंड दे गॉट इट ऑल यू नो वी समटाइम्स वी से समथिंग वेरी ओपनली एंड sometimes it's hidden between the lines. Everything they got, they got the laughs and that's got the reaction. In Bangladesh, each and every line they react. But even here, they were doing it. Here, the same thing we found. So we are so happy that understand. It could communicate, I felt. What would you say? Yes. Could yes. you follow it? Yes. Yeah. मैं एक और ये इसमें जानना चाहूँगा कि ये इसको जिसको कहते हैं कि एक ये प्ले कई जगह बैन हो चुका था और आप बांग्लादेश में कर रही हैं, जाहिर है कि उसके अपने सेकुलर क्रेडेंशियल्स हैं लेकिन फंडामेंटलिज्म भी वहाँ एक इशू है, बड़ा इशू है. तो वहाँ जिसको कहते हैं आप टेस्टिंग टेक्स्ट है इसका, है ना? तो कैसे आप वहाँ की ऑडियंस के बीच किस तरह का आपको जब आप करती हैं तो कैसा आपके वो क्या होता है, एक्सपेक्टेशंस क्या होते हैं? एक्चुअली वी टेस्ट tested this out as an acid test when we were given an opportunity to do it as you know, Shruti Natok, which we call, you know, it's like a radio play. You do the sound and all, but you don't do any movement, you read out, reading acting. There we saw the audience really welcome the play for what it is. And then I thought that, you know, it is very bold, but it was, there's a misconception. It was banned because Franca Rame was at some point in the play, at the end or something, she talks about her rape experience, which is why it was banned, not for the play or what it says. Anyway, for us it's very, it talks about masturbation and all that indicates, you know, that is, you know, we don't talk about such things, you know. But it just happens that when these are talked about on the stage, somebody has come by mistake in a hijab or she's not expecting something like that, and she'll say, Astaghfirullah, I'm going from here, and she leaves. So, you know, I expect that in my play. If she's, or some very, you know, cultural people have the gurus and they come, they want to hear the social problems, the political problems, and here they say, oh my God, this is my life being reflected on stage, oh God, I had so many affairs, you know, it's always undercover, nobody talks about it, and they leave. So I'm used to that, you know, I want that shock reaction from the audience. And thanks God, fanatics, they don't see the drama. No, but there were a few. They don't. Otherwise, we would have been bombed. Is there any question from audience, sir? Okay, please. Mic, please. I'm a first year student. We saw your play and we became your fan. Both of you were fabulous. So I want to know from an actor's point of view, what is your process? You also passed out from a theater institute, we saw in a British theater institute and all. So I want to know what is the process, how you you know, conceived that text and you were delivering. It was so natural. You know, and sometimes we thought they were a real couple or what. So thankfully we are not. So tell us something about your process and what is your advice as an actor? Well, when I, you can talk about your experience, but let me, okay. 15 days to near about 1 month. We only start rehearsal about reading and all. Reading and we just by heart that thing and try to understand what the dialogue want to say actually. What is the inner sense of the line, inner sense of the dialogue and each and everything. So when we just cope up with that, then we went for the blocking rehearsal and
2.5 months we stand. All the, from the morning to noon or sometimes evening we stand rehearsal because we have to. There was a festival in 15th April, so that was the target that we have to stage on. So we did a lot effort in that. The process is that because all credit goes to Darifo and Frank Arame, the play itself, so naturally flows from one dialogue to another. The actor is not taxed. But as a director, as I go on, I keep on changing, because that is the magic of theatre, you can change. And I felt, talking to various people, reading up, when we went to London, we went to National School of Drama, the National Theatre in London, and got some more books, some more experiences. Now, which I'm not being able to make my actor, I want to do more rehearsals. We have to match time and all that. But now I feel that if we, continue to sharpen the play, we can do it like episodes. Like you say that you do one episode, or the director divides the play into, say, 10 episodes, where major changes are happening. In the first episode, the actor and the two actors decide that this is my super objective. This is where I am, this is where I'm going, this is my situation. Then I think this play will become even smarter, even better. So I can't, as a director, I can't stop thinking how to make the play even better and even better and even better. Thank you. For a test case, we did it for 10 minutes only, somewhere that is the reading festival there was happening. So we did it, and the audience's reaction, that was so fantastic. They said, the whole drama we want to see. So that was the inspiration, actually. Yes, because first I talked, because I'm an Assamese guy, so somehow I can relate this Bangla. But my friend is from Tamil. She also equally enjoying this everything. So, because the subtitles were very good. I was following with subtitles. I know. Yeah, that's most of it. I tried to retain Dario for. Yes, yes. Yeah, thank you, ma'am. Thank you. Koi aur sawal kisi ka? Yes, Maithi. Hi, I'm from Mumbai, and I just wanted to ask about that scene in the window where you break from character, where you're like, oh yeah, I'm just a character in a play, nothing will happen. So why do you think it had such an impact on the audience, and why did you choose to do that rather than stay in the character? And yeah, I told you, Darifo, he didn't get Nobel laureate not for nothing. It very late in life. I know, but when he wrote this play, he actually does it this way, so I just followed the script. That was, I felt I was very comfortable. There was no part in the play where I felt that, following his script caused any problem for me. So the woman is saying, no, I'm not a character now. I'm not in the character. I'm coming out of my character. I'm stepping onto the stage. The stage is there. So for just two dialogues, she says that, I'll continue like this. And then she goes back. So it's narration and then character. Narration and then character. But I didn't think too much about it. If I thought too much about it, then I would have told the light designer, when it's narration, do this. When it's not narration, do this. I just let it flow. I just let it flow, and it worked. There is a suggestive window, and sometimes I want to try to jump. There is a super suicide and all, and she also needs the same thing. No, that's when we are in the set. But she's saying that everybody's attention is drawn to that part, where she says, I'm coming out of the character, I'm not in my character, I'm narrating a story. So that actually catches everybody's attention. Is that a forced drama? Yeah, I can't take credit for it, I have to say. It is brilliant. I had the privilege of talking to Darifo on the phone. Oh, really? The Italian embassy, they invited me to chair some sessions on Darifo. Oh. And then they made me talk to him on the phone. Wow, you're so lucky. It was about 5-7 minutes, but it was so unassuming. This drama was due in 1983.
I didn't make him first. You asked a question? Can you pass the mic? Hi, I'm also from Mumbai, and my question was how, in this play, you are breaking from character to narration, the character role to narration. How, were there any parts which was difficult for you to do, and if there was, how did you overcome those difficulties in the process of making? I still do it, but I have to say, as an actor, that is the biggest challenge for me. I'm narrating in one sentence, and then the sentence I'm going back to the character. Again, I'm narrating, I'm going back to the character. But we have a lot of that in Bangladesh. We call it narrative theater. Our narrative theater is our heritage. So I don't think too much about it. When I'm narrating, I'm narrating when I'm going back to the character. But I still feel that, like, my co-actor doesn't have too much of narration. He is acting his part. But my character has a lot of narration. One sentence is narration, the next sentence is acting. Yes, it is a big challenge for me. I feel that as an actor, that is my biggest challenge in this play. And possibly this is, for your point of view, it was a problem, which one is correct? Which one is acting and which one is real, no? No. She's talking about narration and acting. Actor jeta bolche je eta golp, this is my story. Once she's talking to the audience, and another time she's talking to the character. So what is the difference? She's, yeah, not the, in the second part actually she's acting out the whole thing. The whole thing is, you know, she's just to surprise her husband, to shock her husband, she's doing it. But at the end, purposefully didn't show the guy. I showed as if that he had really come, and I let it remain, because that is not important. In a marriage, you have to nurture the relationship. If you're playing around for 30 years, this couple was probably married for that long, you have played around for 30 years. I don't know whether you can change that. So I kept it at that. I didn't want people to know whether she actually, you know, acted it out or not, whether this guy actually committed suicide or not. They are playing around with each other. So this is a non-functioning relationship. But I didn't want to go beyond Dayofu and do something that is not him and Frank Arame. Thank you so much, ma'am. Thank you. ये मुझे लगता है आप सब लोगों में याद पढ़ा भी होगा और सारा जी जो है वो जैसे हमारे यहाँ सिविलियन अवार्ड्स होते हैं उस तरह से सारा जी को बांग्लादेश का जो सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है एकुशे पदक वो मिला हुआ है तो रियली ऑनर्ड टू हैव हम आगे बढ़ते हैं हम आगे बढ़ते हैं जो लास्ट प्ले उस पर हम चर्चा करते हैं सेकंड लास्ट हाँ गुरुजी जो शशिधर आचार्य जी जो है एक तरह से कहें कि वो अपनी विधा के जो है वो पंडित बिरजू महाराज जैसे हैं तो उनसे भी जो है वो शशिधर जी को अभी गुवाहाटी में सुना था तो हम बिल्कुल विस्मित रह गए सुनते अभी हम इस प्ले पर बात करें बख्शी जगबंधु ये जो प्ले था कल कमानी में आप लोगों में से ज़्यादातर ने नहीं देखा है तो इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड जो है वो जानना ज़रूरी है ये 1817 की एक घटना है एक जो ये बख्शी जगबंधु जो है वो एक रिवोल्यूशनिस्ट एक बगावती एक विद्रोही वो थे योद्धा थे जैसे हम 1857 के बारे में तो सुनते आ रहे हैं लेकिन ये उससे पहले भी इन्होंने ये काम किया था ये विद्रोह किया था और ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी तो एक तरफ मद्रास और दूसरी तरफ बंगाल और दोनों के बीच में उड़ीसा पड़ता था तो उसको कब्जा करने के लिए वो कोशिश कर रहे थे और बख्शी जगबंधु जो है वो उनके रास्ते में बाधा बन रहे थे ये प्ले जो है इसके 2 साल पहले इसके 200 साल पूरे हुए और उस मौके पर जो है वो प्रधानमंत्री ने जाकर के भुवनेश्वर में इनके परिवार के इनके खानदान के जो लोग थे उनको सम्मानित भी किया था और बाकायदा इसके लिए बजट में भी जो है सेंट्रल बजट में प्रोविजंस किए गए थे कि इसके लिए और आयोजन होंगे
है ना, तो ये इसका एक बैकग्राउंड है। ये प्ले जो है एक तरह से कहें कि देखने के बाद ये हिस्टोरिकल प्ले भी है, ये कॉस्ट्यूम ड्रामा भी है और ये एक नेचुरलिस्टिक प्ले भी है। तो ये अपने साथ कई सारी चीज़ें और इसमें हैवी सेट्स भी हैं उसका जो मूवमेंट है। तो मैं देवव्रत से जानना चाहूँगा कि ये इतने बड़े पैमाने पर जो है इसने जो इसमें जो आपने इसको विजुलाइज किया और उसको मटेरियलाइज किया, वो एक वाकई देखने के बाद वो चैलेंज लगता है, कैसे आपने इसके बारे में सोचा? मैं उससे पहले मैं हमारे साथ यहाँ है हमारे मनोरंजन दास जी के बेटी, ये एमिनेंट ओडिसी डांसर है, मैं चाहूँगा उनके मंच के मैडम नहीं नहीं ठीक है ठीक है लगता है आपकी कास्ट पे घी चाहे। हाँ और मेरा गुरु चौधरी जयप्रकाश दास जी मेरा टीचर है, मैं उन्हें बुलाना चाहूँ। प्लीज आइए। सॉरी सर, ये तो एक हिस्टोरिकल प्ले है। मैं जब ये सेकेंड शो है, फर्स्ट जो जब हुआ था ये 200 साल के बाद, जब गवर्नमेंट ने कोशिश की नाटक करने के लिए, तो जब मेरे को ये अपॉर्चुनिटी आई जे आप करिए नाटक, तो मेरे को पहले डर लग रहा था जे, क्योंकि मेरा उम्र ये जैसा ये उतना हिस्टोरिक माने प्ले को ये कैसे मैं प्ले करूँगा। और उसे भी मैं मेरा ये गुरु ये टिलू सर उनके साथ भी मैं बात किया, डिस्कस किया, सर ये इतना बड़ा इतना लोकेशन है, ये कैसे दिखाएगा स्टेज में, ये जो बरुणी माउंटेन है जो ये बहुत बड़ा माउंटेन है, वो इतना लोकेशन कैसे दिखाएगा, वो बहुत 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 डिस्कशन करके फाइनली मैं ये सेट डिजाइन किया है जो ये ऐसे करने से मैं दिखा सकता है। तो मेरा ये कोशिश कर मैं ये कोशिश करके ये डिजाइन किया है, लगता है ये आप लोगों को मैं हिंदी में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो लगता है ये कैसे आप लोग को कैसे कम्युनिकेट किया है ये मेरा ये डिज़ाइन और ये एक्टिंग का एक्टिंग एक्टर्स का एक्टिंग ये कैसे कम्युनिकेट किया है मैं मेरे को पता नहीं है। इसमें जो जो बख्शी जगबंधु के जो सैनिक हैं तो, हाँ तो वो केवल आपके 7 एक्टर्स हैं और आपने उनकी ब्लॉकिंग ऐसी की है कि लगता है कि जैसे वो सैकड़ों सैनिक हैं ऐसे सर, है ना? तो ये क्या ये सारे एक्टर्स क्या प्रोफेशनल एक्टर्स थे या ये अमेचर एक्टर्स थे? अमेचर्स भी है थे और प्रोफेशनल भी थे, मिक्स, क्योंकि अभी आर्टिस्ट में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, नाटक करने के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, ये जो सीरियल चल रहा है ये सब लोग घुस गए हैं और मैं दुकान जैसा खोलते हैं दो में ये मंथ के पहले ये दुकान जैसा खोलते हैं और धूप देकर मैं बैठ रहता है और जो भी जो आ रहा है उसका सीन कर रहा है, कंपोज कर रहा है और वो भाग जा रहा है और फिर भी वो आएंगे, बात फोन में किया है फिर नहीं आया है, ये ऐसा चलता रहता है, फिर भी फाइनली कंप्लीट हुआ है। इसमें आपका जो अंग्रेज अफसर है सर वो भी उड़िया बोल रहा है, हाँ तो आपने उसको उड़िया में ही क्यों रखा उसको? उड़िया में ये एक तो नहीं, ये हरकट जो ये पहले जो हरकट ऑफिसर आया था वो तो उड़िया नहीं बोल रहे हैं, वो तो इंग्लिश में बोल रहे हैं, हिंदी भी थोड़ा सा वो हाँ
ये और जो थॉमस जो कैरेक्टर है और फ्लेचर, ये दोनों ये उड़िया को बहुत जल्दी ये सर एडॉप्ट किए हैं उन्होंने उड़िया, क्योंकि उड़ीसा को आने वाले थे तो उनको तो कुछ सीखना था, नहीं तो कैसे कम्युनिकेट करेंगे। वो ऑफिसर को ट्रेन करते हैं ना, इसे ट्रेन पे भेजा था। जो लिखा गया है इसमें ऐसे लिखा गया है जी, कुछ इंग्लिश डायलॉग भी है, कुछ उड़िया है और कुछ हिंदी भी है, क्योंकि सब मिला के वो लिखा गया है। ऐसा नहीं जी हम लोग चेंज किए उसको, ऐसा ही रखे हैं हमने, जैसे ही लिखे पापा ने जैसे ही लिखे हैं उसको हमने ऐसे ही प्रेजेंट करने के लिए कोशिश की है। और हमारे हमारे ये नाटक में एक ये दोनों इंटरेस्टिंग कैरेक्टर थे, जो एक बंगाली कैरेक्टर थे कृष्णचंद्र और जो चरण पटनायक, चरण पटनायक तो ये ओडिया है, तो कृष्णचंद्र ही इज फ्रॉम मालुदा, ही इज फ्रॉम बंगाल, बंगाल so they have helped the Britishers to come into Odisha, because the last Odisha state was not occupied by Britishers. So पहले तो चेन्नई मतलब जो मद्रास और बंगाल उन्होंने कैप्चर किए थे, तो वो चाहते थे उड़ीसा कैसे आए, तो वो चाहते थे जो हमारा बंगाल से है बैक बंगाल होके हो के चिलिका है, हम पुरी में चिलिका है, और थ्रू दैट पैसेज दे विल एंटर पुरी एंड कैप्चर द पुरी, दैट इज देयर उनका मन में था। तो इसको हेल्प किए हैं फतेह मोहम्मद जो हैं उन्होंने हेल्प किए हैं, और इसी हिसाब से उन लोग अंदर आ पाए। ये बड़ी खुशी की बात है कि आप जो इसके प्लेराइट हैं मनोरंजन दास जी, और वो उनको साहित्य अकेडमी अवार्ड, केंद्रीय साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला हुआ है। मिले हैं केंद्रीय संगीत नाटक साहित्य अकेडमी, हाँ, उड़ीसा की प्रथम जो पापा हैं उन दोनों में काम किए हैं और दोनों अकेडमी, और आप उनकी सुपुत्री हैं। तो इस नाटक को लिखने के दौरान क्या आपसे उनका किसी तरह का जो उसका कोई संस्मरण आप बताएं? सर वो पिताजी लिखे हैं ये नाटक 1949 में, तो तभी तो उनका शादी भी नहीं हुआ था, वो तो कॉलेज में पढ़ते थे, मैं कहाँ होती तो मैं तो बहुत बाहर में आई हूँ, कुछ शेयर करते रहे हूँ। अच्छा जी, तो मैं तो तभी तो मैं नहीं थी, लेकिन मैंने पापा जी के जो समग्र नाटक एक है कलेक्शन ऑफ ऑल प्ले, तो उनको थोड़ा सा मैंने पढ़ी, तो और पिताजी के जो लास्ट मेमोर्स है वो भी मैंने पढ़ी। तो पिताजी तो बोलते थे, लेकिन उनकी बचपन की चीज बचपन के कुछ भी मुझे थोड़ा बहुत पता था, पूरा तो सच मुझे पता नहीं था, बिकॉज आई हैव कम फ्रॉम ए डांस बैकग्राउंड, सो नाटक के बारे में बहुत कुछ नहीं पता था, थोड़ा बहुत पता था क्योंकि पिताजी है घर में तो डिस्कस करते रहते हैं कुछ ना कुछ। तो जब मैंने पढ़ी तो मैंने देखी जे पिताजी जब लिखे थे क्यों लिखे थे, तो तब भी 49 में इससे पहले सोशल स्टोरीज सब प्ले लिखते थे, लेकिन तब भी वो चाहते थे कुछ अलग लिखने के लिए। तभी उड़ीसा में एक संस्था अन्नपूर्णा ग्रुप थिएटर ग्रुप था, तभी उन्होंने बोले कुछ अलग टाइप का चीज़ लिखने के लिए। तो पिताजी बोले 47 मतलब तभी तो 49 मतलब देश की स्वाधीनता की बाद ही था, तो इसी के ऊपर लिखें और कंसंट्रेटेड ये बक्सी जगबंधु के ऊपर, क्योंकि तब भी ये तो म्यूटिनी हमारा जो मेरठ में था, हम लोग बचपन से पढ़ते थे जानते थे, बट ये बक्सी के ऊपर ज़्यादा मुझे लगा तभी शायद इसको हाईलाइट वो करना चाहते थे, और तब भी वो सोशल स्टेटस के ऊपर भी मैं कुछ भी वो मिलाए हैं। एक कैरेक्टर है वहाँ उधर है कस्तूरी, और जितने सारे कैरेक्टर्स है यू हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स है ही है एक्सेप्ट कस्तूरी। कस्तूरी इज अ इमेजिनेशन, जो बक्सी की प्रेरणा वो थी, तो वो लास्ट में भी वो प्रेरणा बक्सी के साथ चली गई, ऐसे ही है। तो इसी टाइम में ये प्ले करने के लिए उनके जो अन्नपूर्णा थिएटर की उन्होंने बोले पापा जी से कुछ नए
किताब लिखिए, हम लोग करने के लिए चाहते हैं वो स्टेज में। तभी 49 में पापा ने लिखे और 51 में पहली बार अन्नपूर्णा थिएटर में ये प्ले को ये प्रेजेंट किए हैं। और इसके बाद पापा जब 89 में वो उनके समग्र नाटक की सारे किताब की कलेक्शन करके उसको पब्लिश किए, तब भी लिखे थे जे ये एक रिकॉर्ड था उड़ीसा में, जे बहुत सारे संस्था के द्वारा तब भी 89 में 3000 नाइट्स ये ऑलरेडी परफॉर्म हो चुका था। इसके बाद भी चलता रहता है, नहीं तो हम लोग अभी 2019 में भी हमारे यंग डायनामिक डायरेक्टर्स भी उसको चूज किए करने के लिए। इसलिए मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ जे पापा की ये स्टोरी उन्होंने चॉइस किए, और थैंक्स टू एनएसटी दैट दे हैव आल्सो अप्रूव्ड दिस स्टोरी एंड दैट्स व्हाई वी हैव कम हियर। तो तभी ये चलता रहता है। ये था पापा की मुझे जितना मुझे ज्ञान है, जितना मुझे जानकारी है। देवव्रत जी, अमूमन होता ये है कि एक्टर्स के लिए जो है वो एक कंटिन्यूटी में एक तनाव बना रहे, इसके लिए उनको स्ट्रांग लॉजिक्स चाहिए होते हैं अपने कैरेक्टर के, को एक्टर्स कैरेक्टर्स के। इसमें जो पैट्रियोटिक प्लेज होते हैं उसमें एक तरह से कहें कि उस तरह का स्ट्रांग लॉजिक कई बार नहीं हो पाता है, तो लेकिन आपको अपने एक्टर्स के लिए वो बनाए रखने के क्या इस तरह का कोई चैलेंज आया? नहीं समझ पाए। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि जैसे ये यहाँ एक्टर्स हैं, किसी भी एक्टर को अपना कैरेक्टर करने के लिए एक लगातार स्ट्रांग लॉजिक चाहिए होता है कि मैं ऐसा क्यों करूँ, है ना? पैट्रियोटिक प्लेज में जो है, जैसा आपका प्ले है, उसमें कई बार उस तरह के स्ट्रांग लॉजिक्स नहीं होते हैं जो आपको पुश करें। इसमें आपको उस तरह की कोई प्रॉब्लम आई क्या एक्टर्स के साथ काम करते हुए? सर ये प्रॉब्लम तो आता रहता है सर। मैं उसके पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, ये नाटक जो ये 3-4 घंटा का नाटक था, ये कट करके मैं इतना टाइम ये 1:45 किया। तो उनमें जो ये कंसेप्ट को ये समझने के लिए आर्टिस्ट को भी बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि इतना ये टाइम कट कर ये सीन बहुत सीन सारा सीन कट करके, क्योंकि वो टाइम में बिफोर 50 ईयर्स, हाँ ये टाइम में ये नाटक इतना टाइम ये नाटक देखते रहते थे, ये 1 घंटा 2 घंटा नहीं चलता रहता था। हाँ ये देखते तो तकलीफ तो होता था। मैं फिर भी मैं एक पूरा नाटक उनके साथ एक डिस्कस किया, पूरा नाटक कंप्लीट नाटक डिस्कस किया, और क्या क्या प्रॉब्लम हुआ था, क्या क्या ये हमारा नाट्यकार ने राइटर ने ये क्या कहना चाहते थे ये नाटक के माध्यम से, मैं उनके साथ डिस्कशन भी किया, और जो भी जो जो प्रॉब्लम उनके मन में आ रहा है मैं बार बार पूछ रहा था, जे ये समझ नहीं पाया तो डिस्कशन करो। तो ये थोड़ा ये ऐसे धीरे 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 ये समझ गए। और इसमें जो आपने इसको एक बहुत ही नेचुरलिस्टिक उसमें रखा है, आप बहुत सारे पेड़ लेकर के आते हैं, वो पहाड़ क्रिएट करते हैं, तो आपको मतलब उसके पीछे का अपना कॉन्सेप्ट कुछ बताइए कि इसमें इतना नेचुरलिस्टिक बनाने की आपको क्यों जरूरत लगी? नहीं, ये तो पहला जो शो था ये इतना भी नहीं किया था। अच्छा। जब वीडियो ने भेजा और सिलेक्ट हुआ तब मैं सोचा ये सजेस्टिव सेट करूँगा, मैं सोचा। फिर मेरा मन में आया जे ये नाटक सजेस्टिव में करूँ तो ये जो 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 टीम देखने के बाद ये सिलेक्ट किए हैं, जो उनके अच्छा लगता है, अच्छा लग रहा है, वो चेंज कर दे तो, और उनके मन में आएगा जो ये दिखाया एक और फिर लेकर आए एक, इसीलिए फिर मैं सोचा नहीं, जो दिखाया है उससे और ज़्यादा थोड़ा वक्त कोशिश करूँगा और ज़्यादा कैसे दिखा सकते हैं। कोई सवाल? हाँ। हमारे दर्शकों की तरफ से इस नाटक में फ्रेचर का रोल किया था,
एक ब्रिटिशर्स तो वो एक्टर का प्रोसेस में है ना, वो कोई लिविंग लीजेंड नहीं है कि इसको थोड़ा देखो पढ़ो, मगर आज तो गूगल भाई है सबके लिए। वो थोड़ा जेस्चर देखा और वो जेस्चर अगर उठा और बोला तो कैसे बोलता होगा, ये थोड़ा प्रैक्टिस किया है मैंने, तो इसलिए वो थोड़ा जेस्चर पोस्चर में थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया, इसलिए वो एक्टर का प्रोसेस ऐसे ही चला कि हमने नहीं देखा, फिर भी थोड़ा फिल्म भी देखा, गांधी फिल्म में वो ब्रिटिशर्स का कैसे, और थोड़ा देख के फिर ये प्रोसेस। अब हम शशिधर सर और संपन कुमार जी से, मेरा प्रश्न आपसे है कि कल हमने आपकी प्रस्तुति देखी, बहुत ही खूबसूरत। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे सराय केला छाओ और छाओ, ये दोनों अलग अलग हैं, इसमें क्या डिफरेंस क्या है? और जो आपके एक्टर आ रहे थे जिन्होंने मुखौटा लगाया था लेकिन वो देख नहीं पा रहे थे बिल्कुल भी, और ऐसा लग रहा था कि इतने कॉन्फिडेंटली वो अपना पूरा जो छाऊ था वो कर रहे थे, कहीं भी ऐसा लगा नहीं मुझे कि कहीं गिरने का है या ये, उनकी ट्रेनिंग आप उनके प्रोसेस के बारे में हमें बताइए कि किस तरह से आप उनको तैयार करते हैं। और सर, क्योंकि आप त्रिवेणी में भी एज अ प्रोफेसर नियुक्त हैं, तो जो कलाकार कर रहे थे काम, तो वो क्या यहीं के हैं या फिर आप वो आर्टिस्ट कहाँ के थे? तीन क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कि छाऊ, छाऊ एक है, समय के हिसाब से ये बंटवारा, भारत आजाद हुआ 1947 में, उस एरिया को बांट दिया गया, बांटने के बाद तीन छाऊ पैदा हो गए, सरायकला, मयूरभंज और पुरुलिया। छाऊ एक ही है, स्टेज बाय स्टेज बढ़ती गई। सबसे पहला व्यक्ति बात होता है कि जो कलाकार जिस तरह से होता है वो कला उस तरह से उठता है। अगर अच्छे कलाकार है तो वो उसकी समझ से बढ़ेगा। अच्छे कलाकार मतलब मैं ये नहीं करूँगा अनपढ़, अनपढ़ लोग भी ज़्यादा अच्छा काम करते हैं, हमारे गुरु बहुत पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन उन्होंने जो काम करके गए हम आज तक नहीं भूल पा रहे हैं। एक में मास्क यूटिलाइज होता है, एक में मास्क यूटिलाइज नहीं करते हैं। 19वीं शताब्दी में मयूरभंज में तीनों में मास्क था, तीनों में मुखड़े थे। 19वीं शताब्दी में 1933 के आसपास जो लास्ट राजा था उन्होंने मुखौटों को हटा दिया, कोई बात नहीं। छाऊ टोटली बेस्ड ऑन आंगी का अभिनय, क्योंकि मुखौटे के प्रयोग करते हैं हम, और आप कह रहे थे तकलीफ, हमें तकलीफ नहीं होता है, हमें तो ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर मेकअप किया हुआ है, हमें कोई तकलीफ नहीं है क्योंकि ये ट्रेनिंग है। अगर हम ट्रेन हो जाएंगे तो हमें तकलीफ नहीं होगा, रो आदमी के लिए तकलीफ है, हमको दिखता है, हमको सांस चलती है, लेकिन जनरल जैसे नेचुरल सांस हम ले रहे हैं उससे थोड़ा कंट्रोल से चलना पड़ता है हमको, और उसके लिए हमारी ट्रेनिंग है कि हम किस तरह से मुखौटे पहनने के बाद अपने आप को आखिरी तक सस्टेन करके रखेंगे, दम होना चाहिए क्योंकि फुटवर्क भी करना है, आंगिका अभिनय भी करना है, सारी चीज़ करना है, तो उसके लिए दम चाहिए, तो वो दम कैसे निकाल करेंगे उसके लिए ट्रेनिंग है। हमारी ट्रेनिंग बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत हार्ड होती है, लेकिन जब हम स्टेज में जाते हैं वो सॉफ्ट हो जाता है मूवमेंट, क्योंकि डांस है। और सबसे बड़ी चीज़ है डांस थिएटर में, यही एक चीज़ है कि ये पूरी की पूरी प्योर आंगिका अभिनय के ऊपर निर्भर करता है। और हमारे गुरुओं का कहना था और मुझे भी खुद अनुभव होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि कॉस्ट्यूम ठीक है, जहाँ तक कॉस्ट्यूम पहनते हैं हम ठीक है, लेकिन जब हम मास्क धारण करके स्टेज के अंदर जाते हैं तो मैं अपना आइडेंटिटी खोकर उस आइडेंटिटी में चले जाता हूँ जो करेक्टर में ऑन स्टेज प्रेजेंट करता हूँ। अगर आप मुझे नहीं जानते हैं तो आप बोलेंगे ये रात्रि है, ये सूरज है, ये चांद है, ये फलाना है, ये है। तो हमें जब तक हम स्टेज में रहते हैं, इवन स्टेज के बाहर भी जब हम चले जाते हैं तो कुछ क्षण तक हम उसी के अंदर रहते हैं, जब तक हम मुखौटा खोले थोड़ा सांस चली वो करेक्टर के अंदर में रहते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि हमको मुखौटे ने उस करेक्टर में जाने की एकदम आदेश की तरह देता है कि अब तू जा, इसके बिना तेरा काम नहीं है। मुखौटा तो हटा दिया मयूरभंज ने, अब क्या है कि वो है पूरा फिजिकल। मुखौटे में बाद में जब हम ट्रेंड किए इनको फेशियल एक्सप्रेशन के लिए
तो प्योर डांस में अभिनय करना बहुत मुश्किल होता है, और जब अभिनय करते हैं तो प्योर डांस करना भी मुश्किल है। ये दोनों इसीलिए अलग अलग कराया जाता है। अब उनके लिए प्रॉब्लम हो गई कि वो तो है प्योर डांस, अब अभिनय कहाँ से जोड़ेंगे। तब क्या किया कि थीमेटिक्स कंटेंट को लेकर उसके ऊपर उसको बनाया गया, जैसे गीता अपने हमने दिखाया। आप अगर लास्ट वाला आइटम देखेंगे जो धनु और उसमें था तलवार में था, वो प्योर डांस है, उसमें कुछ अभिनय था क्योंकि वो दो योद्धाओं की कहानी है। लेकिन बाकी दो जो एपिसोड हमने दिखाया दंडी, जो जनऊ होने के समय में उसकी जो मानसिकता है, क्योंकि उसको गुरुकुल जाना है, घर छोड़ना है, काफ़ी दिन गुरुकुल में रहना है, उसकी मानसिकता लेके वो चल रहा है, उसी हिसाब से उसका म्यूजिक है, राग बैरागी बज रही थी। क्योंकि वैराग्य जीवन, वैरागी जो राग है वो इतना सुंदर लग रहा था कि वो जाऊं ना जाऊं, उसीलिए वो पैर में वो लाइन खींचे जाते हैं। जन्म जो होता है हमारे यहाँ दंड पकड़ा के तीन लाइन खींचते हैं और बोलते हैं कि ये तीन लाइन अगर पार हो गया तो वो गुरुकुल जाएगा, अगर यहाँ अटका दिया तो वो यहाँ रह जाएगा। तो वो पैरों से वो तीन लाइनें खींचता है और सोचता है कि मैं जाऊं या ना जाऊं, क्योंकि गुरुकुल का शिक्षा, पहले स्कूल नहीं था, गुरुकुल में शिक्षा होती थी, और मुझे लगता था वो अच्छा था, मुझे फील होता है कभी कभी बहुत बढ़िया था, उसी के लिए सीखा हमने अच्छा। तो वो वैराग्य जीवन की जिस तरह से म्यूजिक है, जिस तरह से रिदम है और जिस तरह से मूवमेंट है, आपको एक एक चीज़ उसमें क्लियर दिखाई देगा कि वो करना क्या चाह रहा है, और उसके साथ उसका फेशियल एक्सप्रेशन को, क्योंकि ये हाल ही में 10, 12 साल, 15, 18 साल के अंदर में जब संगीत नाटक अकेडमी का प्रोजेक्ट खुला, मैंने मयूरवंश को आगे भी देखा था, इतनी एक्सप्रेशन नहीं थी, ये 18 सालों में उनको बताया गया कि इसको ऐसा होना चाहिए तब जाके ये अच्छा लगेगा, क्योंकि मुखौटा था उनमें भी, मुखौटा था। जहां तक सरायकला छऊ की ट्रेनिंग के हिसाब से कि ये योद्धाओं का डांस है, ये छावनी से निकला है, कैंटोनमेंट से, उनके ऐसे भी ट्रेनिंग स्ट्रांग होती है योद्धाओं का। और योद्धाओं, मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है शास्त्र इधर है उधर है, शास्त्र में सब कुछ लिखा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इतने दिन काम करने के बाद मैंने एक चीज़ देखा, क्योंकि मैंने नॉर्थ थिएटर के साथ भी काम किया, जितने मास्क के साथ भी बहुत काम किया, मुझे एक अनुभव हुआ कि चूँकि ये मिलिट्री कैंटोनमेंट से निकला है और आज भी हमारी ग्राउंड फोर्स अपने आप को सजा धजा के पेड़ बांध के एक मुखौटे तैयार करके लड़ाई के मैदान में जाती है, तो क्यों नहीं ये सोचा जाए कि वो कॉन्सेप्ट कभी मास्क बना हो। इसलिए कहते हैं ना कि छेदनम, संस्कृत में एक श्लोक है, छेदनम भेदनम बहुरूप मुखावली, जहां छेदना यानी काटना, यानी भेदना मतलब स्टेप करना, ये बारी आती है वहां इंसान अपने आप को हाइड करता है। छेदनम भेदनम बहुरूप मुखावली, अलग अलग। तो मुझे कभी 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 ये लगता है कि ये मास्क की जो कॉन्सेप्ट है वो उसी कॉन्सेप्ट से, उन्हीं योद्धाओं के कॉन्सेप्ट से आ गया है। शास्त्र ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि हमारे पिताजी लोग नाट्य शास्त्र को पढ़े होंगे, हम पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़े होंगे, लेकिन जो कर रहे थे वो सब शास्त्र है, सारे कुछ उसी में था। क्योंकि फोक ट्रेडिशन क्लासिकल, मुझे, मैं इन सब से बहुत दूर होता हूँ, क्योंकि मुझे इसकी डिस्टिंक्ट, मुझे बहुत अलग सा फील होता है, क्योंकि मैं एक कलाकार हूँ। मुझे लगता है कि जो सुंदर लगे, जो अच्छा लगे उसे देखो, जो ना अच्छा लगे उसको देखो ही मत, सीधी बात है। जो सुंदर लगता है मन को भाए वही कला है, बाकी सब लालकार है, ये कलाकार है। क्योंकि जो अच्छा लगता है, जो आत्मा को शांति लगता है कि हाँ मैंने आज कुछ देखा, मैंने आज कुछ समझा, एक नाटक देख के आएंगे आप, आपको अच्छा नहीं लगेगा तो फिर आपने क्या फील किया, आपको आपका मन दुखी हो जाता है। अच्छा हो, छोटा सा हो, अच्छा सा हो, अच्छा देखना चाहिए। क्योंकि आप फोक फॉर्म को प्रोत्साहन दे रहे हैं, तो मैं अपनी एक चिंता, अपनी एक व्यथा आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैंने थिएटर में अपने कुछ स्टूडेंट्स को प्रोजेक्ट दिया था कि तुम लोग एक फोक फॉर्म को स्टडी करोगे, उसके ऊपर प्ले करोगे और उसके ऊपर एक थीसिस लिखोगे। एंड मैंने उनको ये बोला कि प्रगति, ये जो रिपब्लिक डे के टाइम पे, इसी टाइम पे हुआ था कि रिपब्लिक डे परेड देखो, उसके बाद ताल कटोरा स्टेडियम में सारे फोक डांसर्स आएंगे फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, और वहाँ उसे एक पिक कर लो उसमें से। रिपब्लिक डे परेड आज से 4 साल पहले की बात है, ना तो रिपब्लिक डे परेड में कोई फोक फॉर्म के डांसर्स आए, ना ताल कटोरा स्टेडियम में उसका हुआ। फिर पता चला कि एनएसडी के भारत रंग महोत्सव में हो रहा है, तो वहाँ मैंने स्टूडेंट्स को भेजा, उन्होंने बहुत बढ़िया एक प्रोजेक्ट तैयार किया उसको देख करके। लेकिन दुख की बात यह है कि ये मेरी अपील भारत सरकार से भी है
कि क्यों आपने फोक फॉर्म्स को हटा दिया परेड से? बिल्कुल सही, क्यों आप उसको मरने दे रहे हो? यानी इतनी बड़ी कला है हमारी खुद की है, अपनी है, और उसको खुद ही आप उसको समाप्त कर रहे हो और उसको मरने दे रहे हो, और जबकि इतने बड़े बड़े कलाकार हैं वो हमारी अपनी पूरी चीज़ ख़त्म हो जाएगी। तो इसके बारे में आपका क्या विचार है? आपने कुछ सोचा है आप लोग? सर मैं 26 जनवरी का अभी तो नहीं करता हूँ, पिछले मैंने बहुत कम से कम 10 साल काम किया स्कूलों में और मैं सब जगह फोक ही करा है। अभी क्या है कि अभी एक समय आया है जिसमें कोरियोग्राफी, पता नहीं सर कौन सी कोरियोग्राफी है मुझे समझ में नहीं आता है, 400 लोगों को लेके हाथ हिला दो, झंडे उड़ा दो, तो वो कोरियोग्राफी होती है। मुझे नहीं लगता है कि सर कोरियोग्राफी उसे कहा जाता है, मुझे तो लगता है कि एक ही कैरेक्टर की कोरियोग्राफी अगर इंसान जिंदगी में कर ले बहुत है, 400 लोगों की आवश्यकता नहीं है, वो अकेले ही 400 लोगों का बराबर काम करेगा। तो आजकल एक नई जो सर ट्रेड चली है ना, ये एक तो शॉर्ट टाइम, 5 मिनट में ये पूरा कर दो। कैसे 5 मिनट करेंगे यार, 5 घंटे की चीज़ है, 5 मिनट कैसे पूरा कर दूंगा मैं? वो एक शॉर्ट पीरियड और एक ये जो कोरियोग्राफी का मामला आया है, इससे सर हर जगह ऐसा चल रहा है। ये तो धन्यवाद देना पड़ेगा NS जी को सर, कि यहाँ तो बहुत सारे फोक पढ़ाई होती है सर, बच्चों को पढ़ाते हैं हम लोग, मैं खुद पढ़ाता हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई होती है और जो आगे चलकर ये काम करता है, थिएटर में काम करता है। सर संस्कृत नाटक होते हैं, हर संस्कृत नाटक में छाऊ आती है, क्योंकि मैं कराता हूँ मुझे मालूम है, वो बात नहीं है, बात उसकी नहीं है सर, बात होती है कि जो हमारी अभी जो समय चल रही है, इस समय में हमें क्या करना चाहिए अपने कलाओं को बचाने के लिए। एक्चुअली है हुआ है सर कैंसर और हम बुखार का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो मर जाएगा सर आदमी ना, बुखार का ट्रीटमेंट करने से कैंसर में तो नहीं होगा, कैंसर की ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी, तो वो प्रॉब्लम आ रही है हमको कि ट्रीटमेंट सही जगह नहीं हो रही है। बाकी सब कुछ ठीक है सर, सरकारें आएंगी सरकारें जाएंगी, वो सही वाजपेयी जी ने सही कहा था सर, सरकारें आएंगी सरकारें जाएंगी, लेकिन चीज़ें रहती है, चीज़ें को बचाने के लिए कोशिश सर कोई नहीं करेगा, कलाकारों को करना पड़ेगा, खुद करेंगे तो हम बचेंगे, नहीं करेंगे तो हम मरेंगे। हमें बचाना है, हमें किसी की सहायता नहीं चाहिए, ये समृद्ध होकर चलो तब कला बचेगी। मुझे लगता है कि आचार्य जी का जो एक्सपर्टीज है वो उनको सुनने के लिए मुझे लगता है पूरा एक घंटा चाहिए, क्योंकि वो वाकई जब शुरू होते हैं तो आपको लगता है कि कहाँ रुके हैं, और कि हम खुद ही सोचते हैं कि सुनते जाएं, लेकिन क्योंकि सीमा है तो आप में से कोई अगर कोई सवाल करना चाहे उनसे तो प्लीज़ स्वागत है। कोई सवाल फर्स्ट ईयर? सवाल वही था कि आपने पहले पूछ दिया था कि मयूरभंज और सरायकेला में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, मास का क्या उपयोग है? मैंने मास्क का तो बता दिया बेटा, क्यों अट गया। 1205 AD में सरायकेला में पहली डायनेस्टी सिंहभूम डायनेस्टी बसा, बूढ़ा विक्रम सिंह के समय में, ठीक है, उसकी 45th किंग ने सरायकेला में अपना किंगडम स्थापित किया, उसका नाम था बूढ़ा विक्रम सिंह उदित नारायण सिंह देव, ठीक है। तब से लेकर चला 16th सेंचुरी, 17th सेंचुरी और 18th सेंचुरी में, इन तीनों सेंचुरियों में 18th सेंचुरी में हमारे यहाँ एक फेस्टिवल शुरू हुआ, इसको कहते हैं चैत्र पर्व, इस छऊ को आगे बढ़ाने के लिए। आपने सुना होगा कि राजा हमेशा संरक्षण करता हुआ करता था, लेकिन हमारे राजा ने तो अपने दोनों बेटे राजकुमारों को डांसर बना दिया इस कला को उठाने के लिए। दोनों बेटे मेरे गुरु जी हैं सुदेन नारायण सिंह दो, जो राजा के छोटे बेटे थे, तो उन्होंने तो अपने बेटों को समर्पित कर दिया इस कला को कि जाओ तुम इसको करो ताकि जनरल लोग करेंगे। अब जब चैत्र पर्व की स्थापना हुई, चार नाइट होल नाइट परफॉर्मेंस अभी चलती है 10 तारीख से 14 तारीख तक अप्रैल में, तो उस फेस्टिवल में 36 गढ़जात, केवल 3 किंगडम में नहीं था बेटा, 36 किंगडम में छऊ था, बोणेगढ़, सुंदरगढ़, केवंझरगढ़, है ना, सिंहभूम, मानभूम, बोराभूम, धड़भूम, जितनी भूम है ये सब डायनेस्टी है, और उसका मेन था सरायकेला का राजा, क्योंकि वो बहुत ताकतवर था। लास्ट राजा आदित्य प्रताप सिंह दो ने, लास्ट राजा था 19th सेंचुरी तक था, जब तक इंदिरा गांधी ने समाप्त नहीं करी, तब तक मैं देखा हूँ राजा को, उनकी आँखें ऐसे हो गई थी, ऐसे उठा के भी पहचान लेते थे कि ये किसका बेटा है, इतनी ताकत था उसमें। उसका ये रिस्ट हमारा 3 गुना बड़ा था, इतना ये रिस्ट, उसका तलवार अभी हम उठा सकते हैं, अभी जो तलवार रखा हुआ राजा घर में सरायकेला में। तो
तो यहीं से गुरु जाके मयूरभंज में बनमाली दास और उपेंद्र मिश्रा जाके मयूरभंज में 18th सेंचुरी में शुरुआत किया है और पुरुलिया में भी राजेंद्र पटनायक गए हैं। ये तीन गुरुओं के जाना और थोड़ा दिन रहना और वहां से चला आना ये बहुत महंगा पड़ गया हमको, क्योंकि अलग अलग तीन सिस्टम हो गया ना, तीन हो गया। तो मैं चाहता था कि 36 को 36 बचे, लेकिन क्या है कि टेक्निक एक सा है, वही चौक है, वही धरान है, वही उफली है, वही चाली है, वही भंगिमा है, सब कुछ वही है, फुटवर्क भी वही है, लेकिन लेने का तरीका अलग है। 10 बच्चे पढ़ते हैं, आपने कुछ सीखा, उसने सब्जेक्ट एक ही है, आपने क्या लिया, उसने क्या लिया, सबका अलग अलग, आपने जितना सीखा आपने अपना अप्लाई किया, उसने जिससे कहा उसने अप्लाई किया, तो इसी तरह से तीनों छह हुए और कुछ भी डिफरेंस नहीं है, मुझे तो नहीं लगता। इसलिए मैं तीनों छह को साथ लेकर चलता हूँ, मैं सोचता हूँ कि ये भी हमारे भाई हैं, चलो तीनों इकट्ठे चलेंगे। अरे एक को तो तोड़ दोगे, तीन जोड़ दोगे तो तोड़ना मुश्किल है। बहुत बढ़िया। अब मैं, अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो मैं अपने इस कार्यक्रम को यहीं विराम देती हूँ और मंच पे बैठे हुए सभी सुधीजनों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय निकाल कर हमारे साथ अपने शेयरिंग की, अपने थॉट्स को शेयर किया, अपनी मेकिंग को शेयर किया। थैंक यू सो मच। और एक अनाउंसमेंट, अभी हमारा अलाइट इवेंट जो प्रोग्राम चल रहा है उसमें आज नेशनल सेमिनार है, तो अगर कोई भी दर्शक हमारा वहाँ पे जाके सुनना चाहता है अपना बहुमुख में, तो वो जा सकते हैं और वहाँ पे हमारे दो बजे नेशनल सेमिनार।